हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम टू लर्ट्स अभ्यक्ति खरीजीगर से आप सबका स्वागत करते हुए मैगजीन का संपादक दिल्ली में प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान डायरेक्टर एक्मी का एजुकेटर चलिए स्टार्ट करते हैं तो काफी कुछ हम सीखने जा रहे हैं आज की क्लास में और चश्मा का आइडिया ही नहीं तो चलिए फटाफट बच्चों आज काफी बहुत ज्यादा कंटेंट है मतलब लगभग हंड्रेड स्लाइड्स है पर फोकस करिए और लगातार रिवीजन रिवीजन माइंड एमसीक्यू यानी जिस तरीके से यूपीएससी पूछता है जहां आप फंसते हैं कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर पढ़िए लगातार उसको अपने दिमाग में घुमाते चलिए और इस समय आपके पढ़ने का टाइम है प्रिलिम्स ये याद रखिएगा इसके बाद फिर मुख्य परीक्षा हम लोगों की जिम्मेवारी है इंडियन एक्सप्रेस के आज छे हैं आप देख सकते हैं यानी एडिटोरियल और आज काफी टॉपिक हैं प्रिलिम्स एंड मेन्स बोथ इसके अलावा द हिंदू के भी अच्छे खासे टॉपिक हैं लेकिन ये एकदम पॉलिटिकल इस समय भाई साहब लिख रहे हैं तो कुछ काम के हैं कुछ बिना काम के हैं ये हिंदू की आज आठ न्यूज है और प्रिलिम्स फंडा आज स्टार्ट हो चुका है यानी जो भी आप यहां पर पढ़ रहे हैं वो सब प्रिलिम्स फंडा में सुबह नौ बजे हम लोग किए हैं कल फिर इसको करेंगे डे बाई डे प्रिलिम्स फंडा चल रहा है अरे क्या हो रहा है यार ये और ये आपका हो गया पीआईबी के टॉपिक हो गए क्या होंगे भाई तो प्रिलिम फंडा ये स्टार्ट हो चुका है यानी कल से ठीक आज से सॉरी और ये अब लगातार चलता रहेगा तो आप लोग स्पेशल क्लास पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पूरी तरीके से फ्री यानी इसका कोई पैसा नहीं है जैसे आप यूट्यूब पे क्लास लेते हैं वैसे ही अन के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और जा करके आप लिंक दिया रहेगा उसमें ज्वाइन कर लें हिस्ट्री ऑप्शनल जो भी बच्चे बायलिंगल पढ़ना चाहते हैं यानी हिस्ट्री ऑप्शनल बाइलिंगल तो आप वहां पर आ सकते हैं बाइलिंगल मीन्स पढ़ाया हिंदी और इंग्लिश दोनों में जाता है और कंटेंट आपको इंग्लिश में दिए जाते हैं तो आप जुड़ सकते हैं टॉप फिफ्टी रिविजन प्रिलिम्स के लिए आना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं या कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं विद मेरे मेरे इस फार्मूले के साथ तो इसके लाइव कोड के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं अन के इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जहां पर आपको बहुत कुछ अवेलेबल है लाइव क्लासेस हैं टेस्ट हैं क्विजेज हैं बहुत कुछ है बहुत से एजुकेटर्स हैं जिनके साथ आप अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं उसके लिए आपको दो यानी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हमारे पास है जिसमें आइकॉनिक में, में पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है और अनकेडमी का कॉम्बैट आप इसे ज्वाइन करें एसके लाइव कोड के साथ फ्री है टोटल ये हमारे बैच कोर्सेज हैं और ये अन का कंबो बैच है कम्बो बैच का मतलब होता है कि जिसमें अगर आप ऑप्शनल और जीएस एक साथ लेते हैं चाहे आइकोनिक में चाहे प्लस में एसके लाइव कोड यूज करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है अगर दोनों विषय एक साथ आप लेते हैं तो तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है द क्वाड्स इंपॉर्टेंस टू इंडियाज स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी यानी आज क्वाड के दो टॉपिक को हम लेकर के आगे चल रहे हैं क्वाड का पहला टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस से और क्वाड का दूसरा टॉपिक जो है आपका है किससे क्वाड का सेकंड टॉपिक है द हिंदू से <coughs> यारी क्या <होता? coughs> क्यों आ रहे? प्लीज एक मिनट देख गले तो पहला टॉपिक यानी क्वाड द क्वाड इंपॉर्टेंस टू इंडिया भारत की सामरिक स्वायत्ता के लिए क्वाड का महत्व यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत बढ़िया टॉपिक है और कंपेरेटिव देखा गया है ब्रिक्स के साथ क्वाड की कंपेयर की गई है तो यह बहुत बहुत बढ़िया टोटल डिफरेंट है तो पहला तो आप अगर कोई जैसे आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं चाहे आप जीएस के लिए कर रहे हैं पेपर टू आई के लिए या इसके साथ आप कर रहे हैं पी ऑप्शनल के लिए दोनों के लिए ये अपने आप में एक फ्यूचर क्वेश्चन है एफ है कि द क्वाड इंपॉर्टेंस टू इंडिया स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी भारत की सामरिक स्वायत्ता के लिए क्वाड का क्या महत्व तो है तो बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें कई एंगल हम पकड़ने वाले हैं और मजा आने वाला है याद रखिएगा अभी तक का क्वाड पर कुछ अच्छा लिखा गया टॉपिक यानी जबरदस्त तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी से प्रेलेंस फोकस यानी ब्रिक्स और क्वाड पर क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए सुबह प्रेलिंस फंडा में अनकेडमी स्पेशल क्लास में सुबह नौ बजे आई क्यू आई पी एच अच्छा एल एम यानी कि जी एस टू पी एस आई आर ऑप्शनल और ऐसे इंटरनल रिलेशन पर कोई भी ऐसे आता है तो वहां पर ही आपको मदद करने वाला है तो आप देख सकते हैं ठीक है तो क्या क्या है यहां से आइए देखिए द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तो आप देख सकते हैं यानी क्वाड के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं इसका इंपैक्ट क्या है तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं एक दो मॉडल क्वेश्चन के साथ ये मॉडल क्वेश्चन आपके जीएस के लिए भी हैं प्लस पीएसआईआर ऑप्शनल वालों के लिए यानी इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी हैं जैसा कि क्वाड पर क्वेश्चन पूछ लिया था कि अब क्वाड सामरिक से बढ़ करके ट्रेड ब्लॉक का रूप ले रहा है पीएसआईआर ऑप्शनल में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं भैया ट्रेड ब्लॉक तो एक अलग कॉन्सेप्ट हुआ अब आप पूछ चुके हैं यानी वो कह रहा है कि इंडिया के लिए इसका सामरिक महत्व तो क्या है स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है तो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का मतलब है कि हम यहाँ यह सीखने जा रहे हैं कि एक्चुअल में चाइना की के कंपेयर में यानी कि चाइना के ना चाहते हुए भी भारत क्वाड की तरफ क्यों बढ़ रहा है आखिर वो कौन कौन से बेसिक रीजन्स हैं जिसकी वजह से क्वाड को हम भारत की एक नेसेसिटी एक आवश्यकता एक अपरिहार्यता कह सकते हैं यानी क्वाड से किसी भी प्रकार से भारत पीछे नहीं हट सकता और क्वाड को भारत को अपने लिए आगे ले आना ही होगा तो आप ये चीज यहां पर पढ़ने जा रहे हैं अब पहला क्वेश्चन व्हाट मेक्स इंडिया मोर इनक्लाइन टुवर्ड्स क्वाड एज कंपेयर टू ब्रिक्स डिस्कस तो ब्रिक्स की सम्मिट इंडिया में होने वाली है उसी परिप्रेक्ष्य में एडिटोरियल लिखा गया है ठीक है ना कि क्वाड में ऐसा क्या है कि क्वाड को ज्यादा वरीयता भारत इस समय दे रहा है इन कंपेयर टू ब्रिक्स अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है यानी ब्रिक्स की तुलना में भारत का क्वाड की ओर अधिक झुकाव क्यों है चर्चा करें ठीक है ना ब्रिक्स की तुलना में भारत का क्वाड की ओर झुकाव क्यों है चर्चा करें पहला पॉइंट ये हो गया दूसरा पॉइंट आपके सामने देख सकते हैं यानी दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया द डिफरेंस बिटवीन इंडिया चाइना टाइज हैज स्ट्रेंदन इंडिया यूएस टाइज कमेंट गजब का क्वेश्चन है ऑप्शनल में ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो पॉलिटिकल साइंस वालों आप इस प्रश्न के लिए तैयार रहिए कि भारत चीन संबंधों के बीच अंतर ने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत किया टिप्पणी कीजिए यानी कि भारत और चीन के संबंधों में कुछ ऐसे या अंतर मुद्दे हैं उन अंतर मुद्दों के कारण स्वाभाविक रूप से भारत यूएस के साथ अपना एक बेहतर जो है इक्वेशन एक संबंध देख पा रहा है तो अब अगर ऐसे प्रश्न आए तो कंटेंट कहां से आएंगे तो यही आप देखेंगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड का सामरिक इंपॉर्टेंस लेकिन आप वहां पाएंगे कि सामरिक इंपॉर्टेंस के साथ इंडिया उसे अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों मानता है तो उसमें यही है कि क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में बड़े डिफरेंसेस हैं और चाइना बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर इंडिया के अगेंस्ट रहता है और उन सभी पैरामीटर्स पर यानी पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स इन सारे पैरामीटर्स पर यूएस हमेशा इंडिया के साथ रहता है तो स्वाभाविक रूप से हाल के वर्षों में इंडिया भारत मतलब यूएस इंडिया का एक नेचुरल एलाई बन करके उभरा है और वह कहीं ना कहीं भारत को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह क्वाड की तरफ अपना झुकाव भी प्रदर्शित करे और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत करे आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो ये आपके हो गए मॉडल क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट होता है दो बातों पर एडिटोरियल राइटर ने अपना सारा समीकरण खींचा है कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडिया पार्टिसिपेशन यानी भारत की भागीदारी में विरोधावास यहां से उठाया गया है यानी कॉन्ट्राडिक्शन किस किस चीज की भागीदारी में कॉन्ट्राडिक्शन है विरोधाभास बि है तो क्वाड को लेकर के और ब्रिक्स को लेकर के यहां पर पूरी बातचीत हो रही क्वाड को लेकर के ब्रिक्स को तो फर्स्ट एवर क्वाड सबमिट हुई आप सबको पता है जिसमें भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएस के शीर्ष नेतृत्व ने भागीदारी की यानी कि शीर्ष नेतृत्व ने दूसरा ब्रिक्स की समिट अभी होने वाली है इंडिया में एडिटोरियल राइटर ने दोनों को पकड़ा और याद रखिएगा इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में चाइना यह या, यानी कि जो चाइना में जो विदेश जो फॉरेन पॉलिसी थॉट ऑफ स्कूल होते हैं विदेश नीति को विवेचित करने वाले जो स्कूल होते हैं तो उसमें देख सकते हैं कि यानी कहीं ना कहीं एक प्रकार की अप्रोच चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है चीन का जो प्रसिद्ध अखबार ग्लोबल टाइम्स जो चीनी साम्यवादी सरकार का अखबार है कि इंडिया चाइना के इंडिया रशिया के जो रिलेशन है जो संबंध है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं क्यों क्योंकि इंडिया मूव क्लोजर टू यूएस क्योंकि भारत तो अमेरिका के साथ चला गया है ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है इसका मतलब है कि ग्लोबल टाइम्स साफ कह रहा है कि भारत चीन भारत रूस के संबंध इसलिए बिगड़ गए हैं क्योंकि भारत यूएस के साथ चला गया है अब यह भी अपने आप में फ्यूचर में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है क्या है कि नहीं अगर यही स्टेटमेंट आ जाए और लिखे कमेंट कीजिए यानी कमेंट कीजिए तो आप क्या करेंगे तो अब ये से आपको इसके बारे में लिखना होगा कि क्या ये सही है या सही नहीं है यानी जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा तो आप देख सकते हैं तो ये सारी बातें यानी कि ग्लोबल टाइम्स जो कह रहा इसी पर ने अब अपनी बात कहना स्टार्ट किया है कि चाइना का तर्क ये है। लेकिन कुछ कॉन्ट्राडिक्शन चाइना और इंडिया के रिलेशन में है उस कॉन्ट्राडिक्शन यानी उस विरोधाभास के कारण भारत यूएस के नजदीक अपने आप को ज्यादा पाता है यह आप यहां से देख सकते हैं ठीक है और ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि इंडिया जो भारत है वो ब्रिक्स और क्वाड के बीच में क्या कर रहा है यानी जैसे होता है दोलन कि ये ब्रिक्स है ये क्वाड है इसके बीच में दोलन कर रहा है इन दोनों के बीच में भारत झूल रहा है कभी यहां जा रहा है कभी यहां जा रहा है ठीक है ना याद रखिएगा और इसको ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि यह दिल्ली का यानी कि भारतीय विदेश नीति का स्ट्रेटजिक कंफ्यूजन है रणनीतिक भ्रम है वह ईस्ट के साथ रहे कि वेस्ट के साथ रहे ईस्ट और वेस्ट में भारत क्या कर रहा है दोलन कर रहा है ऐसे ऐसे कहां जाए कैसे जाए यानी ब्रिक्स और जो है क्वाड के बीच में ईस्ट और वेस्ट के बीच में तब तो आप देख सकते हैं भारत की भागीदारी में विरोधाभास यह पॉइंट क्लियर हो गया अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टाइम्स अब आगे बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ चाइना से चाइना कहता है इट सपोर्ट्स इंडिया इन होस्टिंग ब्रिक्स 2021 तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं यानी कि 2021 में भारत में ब्रिक्स हो रहा है चाइना उसका पूर्ण समर्थन करना चाहता है श्री जिनपिंग जो है इस समिट में ही इंडिया आएंगे इसके बारे में पहले से ही बातें कही गई हैं और 2021 में ब्रिक्स का की 15th एनिवर्सरी यानी 15वां इनका एनिवर्सरी है यह भी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स याद रखिएगा ऑन फॉर मेंस यानी जब भी आपको प्रश्न कोई चीज दस वर्ष होती है पंद्रह वर्ष होती है बीस वर्ष होती है फाइव ईयर होती है तो उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है ट्वेंटी फाइव ईयर होती है फिफ्टी ईयर किसी भी चीज पे होती है तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए तो ब्रिक्स पर प्रश्न बन सकता है ठीक है ना अब आप याद रखिएगा ठीक है तो ये सारी बातें हैं यानी अब इस बार ब्रिक्स का चेयरमैन कौन होगा ऑबियस इंडिया है ब्रिक्स के बारे में क्या है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका का यह संबंध है और यह ब्रिक्स जो है दुनिया की आबादी का लगभग फोर्टी परसेंट है और टोटल जीडीपी का पूरे विश्व की थर्टी परसेंट जो है जीडीपी है और इस रूप में यह एक क्रिटिकल इकोनॉमिक इंजन यानी महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन बनता है यानी इसके अंदर अपने आप में ही पोटेंशियल है पॉपुलेशन डिविडेंड भी है साथ ही जीडीपी में वैश्विक स्तर पर एक बड़ा रोल भी है पहली समिट हुई थी 2009 में याद रखिएगा क्लियर है और अभी और दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था 2010 में यानी पहली समिट में दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था प्रिलिम्स के लिए यह पॉइंट याद रखिएगा ठीक है अब आते हैं क्वाड वर्सेस ब्रिक्स तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं क्वाड वर्सेस ब्रिक्स और भारत की चुनौती और इसी के साथ हम देखेंगे कि क्वाड इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है या भारत इन कंपेयर चाइना यूएस के साथ वर्तमान में अपने आप को बहुत ज्यादा सहज क्यों पाता है एक नेचुरल अलाइव वह यूएस को क्यों पाता है चाइना को एक नेचुरल अलाइव क्यों नहीं पाता है ये बड़ा अच्छा प्रश्न है इस पर अभी तक हम लोग लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं लेकिन कोई इतना बेहतर कंटेंट नहीं आया अभी तक जो आ जा रहा है कि क्यों यूएस और इंडिया इस समय यानी इंडिया यूएस को अपना नेचुरल लड़ाई पाता है और चाइना को नहीं पाता तो वो सारे पॉइंट अमेजिंग है और वह यह भी दिखाएंगे अगर एक न्यू क्वेश्चन आपके दिमाग में डाला जाए या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाला जाए कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन कहां कहां है यानी अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे भारत चीन संबंधों में विरोधाभास के कॉन्ट्राडिक्शन के विभिन्न बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए और इन विरोधाभासों को दूर करने में समथिंग समथिंग कोई भी अब वो आगे लगा सकता है कि अनौपचारिक इनफॉर्मल जो सबमिट्स होती है उसकी क्या भूमिका है ऐसा कुछ भी आपसे लगा सकता है तो चा, चाइना और इंडिया के रिलेशन में जो कॉन्ट्राडिक्शन हैं वो भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं यानी हम कई चीजें एक साथ यहां पर देखने जा रहे हैं आइए आगे चलते हैं क्या क्या है अब देखिए फ्रॉम बीजिंग परस्पेक्टिव बीजिंग के नजरिए से ठीक है ना बीजिंग का मानना है कि इंडिया ने ब्रिक्स से बहुत लाभ कमाया है यानी आतंकवाद टेरिज्म जैसे मुद्दे पर उन्हें जो है जो पूरा इनर एशिया है सभी देशों का सपोर्ट इंडिया को टेरिज्म के मुद्दे पर मिला यानी ब्रिक्स के मंच से टेरिज्म के अगेंस्ट इंडिया ने माहौल बनाने में पूरी सफलता प्राप्त की है ये देख सकते हैं पहला पॉइंट फिर इसके बाद क्या है दूसरा बीजिंग के नजरिए से यानी कि ब्रिक्स का इस्तेमाल भारत ने कैसे किया और दूसरा कह रहा है कि बीजिंग हमेशा से देखता है कि जो दिल्ली है वो इन्वॉल्व है किस चीज में इन्वॉल्व है क्वाड में क्यों यानी भारत क्वाड का हिस्सा क्यों क्योंकि वो कहना चाह रहा है कि वह चाइना को संतुलित करना चाहता है क्या करना चाहता है वह चाइना को संतुलित

वार्न कर रहा है कि अगर डेल्ही इसी प्रकार से वाशिंगटन के नजदीक गया ठीक है ना यानी उन्हें साफ कहा कि दिल्ली वाशिंगटन के करीब जाती रही तो ऐसे में क्या देगा इंडिया बिल इवेंचुअली लॉस इट्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी भारत अंततः अपनी सामरिक स्वायत्ता खो देगा अब आप यहां से देख सकते भारत अपनी सामरिक स्वायत्ता खो देगा अब यह भी अपने आप में एक यानी आज के एडिटोरियल में बहुत से थॉट वाली चीजें हैं क्या यह सही क्या आप एग्री हैं इस स्टेटमेंट से क्या आप सहमत है यानी वो कह रहा है कि अगर वाशिंगटन के नजदीक भारत जाता है तो इंडिया क्या करेगा अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी लूज कर देगा यानी चाइना मानता है कि भारत जो है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पे चलने वाला देश है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी ऑबियस है कोई भी अगर सॉब कंट्री होती है कोई भी संप्रभु राष्ट्र होता है तो वह अपनी विदेश नीति का संचालन अपने हिसाब से करता है भारत भी ऐसा कर रहा है और क्वाड में भारत ने कहीं से भी अपनी सॉब्रंटी पर कोई दाव नहीं लगाया लेकिन चाइना ऐसा कह रहा है तो क्या चाइना सही कह रहा है ऑबियस हम कहेंगे बिल्कुल भी सही नहीं कह रहा ठीक है ना एंड बिकम अमेरिका चाइना और अमेरिका का चीन के खिलाफ एक एक मोहरा बन जाएगा बड़ा अच्छा यानी चाइना यह आरोप लगा रहा है देख सकते हैं कि हम अमेरिका का एक मोहरा बन जाएंगे क्या यह सत्य है अब आप इस पर विचार करिए तो अच्छा पॉइंट है यानी बीजिंग के नजरिए से अब यहां पर क्या सीखा यानी भारत अब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वालों के लिए आईआर में देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता कि भारत अमेरिका के बढ़ते संबंधों पर चीन की प्रतिक्रिया चीन की प्रतिक्रिया कि यदि दिल्ली वाशिंगटन के करीब जाती रही तो वह अपनी सामरिक स्वायत्ता खो देगी और साथ ही वह अमेरिका का चीन के खिलाफ मोहरा बन जाएगी क्या आप इस कथन से सहमत हैं डू यू एग्री विद स्टेटमेंट आप यहां से देख सकते हैं तो ऐसे यानी आप विचार करिएगा तो चाइना अब यहां पर हमें क्या मिला कि चीन जो है वह अमेरिका और भारत के संबंधों पर क्या अप्रोच क्या दृष्टिकोण रखता है वो दृष्टिकोण आपको हंड्रेड परसेंट क्लियर हो गया है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से कहानी आगे बढ़ाते हैं प्रिवेंटिंग यूनिपोलर एशिया डोमिनेटेड बाई चाइनी अब यहां से अपना यानी आपका हमारा यानी इंडिया का कंसर्न स्टार्ट होता है यानी भारत का कंसर्न यानी भारत अब एडिटोरियल राइटर कहते हैं कि चाइना का ग्लोबल टाइम्स कुछ भी कहे भारत क्वाड में क्यों जा रहा है यानी भारत क्वाड में क्यों जा रहा है कि वो वो जो मतलब चाइना के डोमिनेंट वाला एशिया है यूनिपोलर एशिया ठीक है ना उसको बदलना चाहता है यानी एशिया में चीन एकमात्र शक्ति रहे भारत इस प्रकार की रणनीति के अगेंस्ट है क्यों क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा भारत की विदेश नीति में फॉरेन पॉलिसी में अगर 1.0 है तो 2.0 भी आया है 1.0 में हम क्या थे हम गुट निरपेक्ष थे किसी राष्ट्र की आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करते नहीं थे ना किसी की साइड लेते थे लेकिन और अभी भी हम आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन अब हम बहुध्रुवीय विश्व मल्टीपोलर वर्ड चाहते हैं यानी भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पाते हुए ये बात आप सबको पता है हम लोग पीछे कर चुके कि इंडिया मल्टीपोलर वर्ड चाहता और जैसे ही वह स्टेटमेंट आया और वह पॉपुलर हुआ नैम टू पॉइंट ओ ठीक है तो आप देख सकते हैं तो ये हो गया अब यहां पर एडिटोरियल राइटर ने कहा है आखिर ऐसा क्या रहा यानी ये तो ठीक है कि ऐसा इंडिया चाहता है लेकिन फिर इसके बाद का यानी इंडिया चाहता है कि एशिया भी बहुध्रुवीय हो उसमें कोई चाइना ही अपने आप में दादा ना हो अब देखिएगा लेकिन ये आ गया सबसे अच्छा पॉइंट इन वर्षों में भारत और अमेरिका को ऐसे कौन से बिंदु रहे है जो नजदीक लेकर के हैं भारत अमेरिका के संबंध क्यों मजबूत हुए चाइना के क्यों कमजोर हुए आइए पहला यानी हम पढ़ने जा रहे हैं यह भी क्या चीन के भय ने फिर से एक क्वेश्चन क्या चीन के भय ने भारत और अमेरिका को नजदीक लाया है टिप्पणी कीजिए कमेंट कीजिए तो ऐसा भी तो अब देखिएगा चाइनास ग्रोइंग मिलिट्री पावर चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और बॉर्डर की जो ग्रीज है ना जो सीमा पर इसकी लालच है तो पहला रीजन तो ये रहा है कि इंडिया और अमेरिका साथ साथ आए हैं इसे एडिटोरियल राइटर ने नहीं मैंने कैबेज पॉलिसी से आपको समझाने का एक उपक्रम किया यानी कि कैबेज पॉलिसी से कैबेज पॉलिसी इसकी बॉर्डर ग्रिड यानी सीमा लालच को स्पष्ट करता सीमा लालच आप सबको पता कि वो क्या करता है यानी कि ये क्षेत्र मेरा है एक बार पहले उनके उनके डिप्लोमेसी की तरफ से जैसे उनके अखबार में ग्लोबल टाइम्स में आ गया ये क्षेत्र हमारा है 9 डैश लाइन दक्षिण चीन सागर की ये क्षेत्र हमारा है और ये 1947 के अराउंड से ही हमारा है या एंशियंट एरा से हमारा है और उसके बाद क्या उस रीजन के लिए फिर वहां पर जो उनका पूरा मिलिट्री सिस्टम है उसको डिप्लॉय कर देना वन 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 यानी जैसे कैबेज का मतलब होता है ना गोभी गोभी की कितनी परत होती है तो वैसे ही वो क्या करते हैं अपने सिक्योरिटीज को तैनात कर देते हैं उन एरियाज में यानी अपनी आर्म्ड फोर्सेस को और फिर आप उसे हटा नहीं सकते हैं ये चीज है कैबेज पॉलिसी तो देख सकते हैं यानी कि इसी कैबेज पॉलिसी को आप यानी बॉर्डर ग्रीड को आप कैबेज पॉलिसी कहते हैं इसे हम सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी भी कहते हैं सलामी होता है ना खाने वाला छोटी छोटी स्लाइस में हमेशा रहता है छोटे छोटे टुकड़ों में रहता है वैसे इनकी जो कैबेज पॉलिसी छोटे छोटे टुकड़ों में पहले ये किसी लैंड पर कैबेज पॉलिसी के अंतर्गत क्या करते हैं दावा करते हैं कि यह हमारा है और फिर उसके बाद वहां पर अपना पूरा जो इनका आर्मड फोर्स है उसको इस प्रकार से सेट करते हैं यानी जैसे आप लद्दाख में स्टैंड आप देखिए यानी कि स्लाइसिंग से एक सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कि आप चाह करके भी जब उनके साथ कंप्रोमाइज करेंगे तो एक दो को हटाएंगे लेकिन दो तीन पर इनके बेस बन चुके होंगे ये है इनका जो है बॉर्डर ग्रिड आई होप आप समझ गए इसको ऐसे समझिए यह देख सकते हैं आप जैसे स्लाइस में है इन्होंने कहा ये एरिया हमारा है और ये यहां तक आ गए ठीक है ना यहां तक आ गए अब इसके पीछे भी इन्होंने अपना पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया अब आप भी अपनी आर्मी को यहां पर लगा दी अब बातचीत स्टार्ट हुई तो ये यहां से हट जाएंगे लेकिन इसके पीछे जहां पर अभी तक कोई इनका मिलिट्री बेस नहीं था आप तो केवल यहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले पार्ट से ठीक है ना और ये स्लाइस की तरह सलामी स्लाइस की तरह यहां पर अपना बेस बना दिए यानी उतना तो परमानेंट उनका हो गया तो ये जो इसकी भूमि की लालच है इसने इंडिया और अमेरिका को साथ लाया है यही है कैबेज पॉलिसी आप याद रखते हैं ठीक है ना क्लियर है तो ये यहीं पर लिखा हुआ आप इसको पढ़ लेंगे तो ये हो गया ये तो हाला नाइन डैश लाइन साउथ चाइना सी के संदर्भ में लिया जाता है ठीक है अब आते हैं दूसरा अब और कौन सा मुद्दा है कि इंडिया यूएस साथ आ रहे हैं और चाइना और भारत के कॉन्ट्रडिक्शन भी दिख रहे हैं तो पहला उधर हो गया अब सेकंड क्या हो गया कॉन्ट्रडिक्शन और भारत अमेरिका का साथ आना जब भी कश्मीर का मुद्दा उठा है तो भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा यूएस ने सॉरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान का साथ दिया परंतु अगर आप देखें तो चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का पक्ष पोषण किया पाकिस्तान ने जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के लिए कश्मीर को लेकर के अपना राग अलापा है अपनी बात कही चाइना ने उसी को सपोर्ट किया इसका मतलब है आ गया ना क्या आ गया कि भारत और चीन के कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास संबंधों के भारत अमेरिका को साथ ला रहे हैं देख सकते हैं आप दो पॉइंट हो गए तीसरा पॉइंट यहां पर क्या कहा गया यानी क्रॉस बॉर्डर टेरिज्म जब भी सीमा पर आतंकवाद की बात होती है तो और भारत को नुकसान होता है तो अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान पर एक दबाव डालने की नीति पर काम करता है और वहीं चाइना हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेरिज्म पर सीमा पार आतंकवाद पर, आतंक पर रावलपिंडी की यानी पाकिस्तान का संरक्षण करता दिखाई देता है तो यहां पर भी हमारे विरोधाभास यानी भारत चीन संबंधों के कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास भी पड़ रहे हैं एक चीज और दूसरी चीज पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्या है कि भारत और अमेरिका साथ साथ आते चले जा रहे हैं एंड द फोर्थ अब आप यहां से देख सकते हैं यूएस ने क्या किया है अब आप यहां से यानी यूएस ने भारत के साथ न्यूक्लियर डील करके भारत को परमाणु शक्ति के रूप में ना केवल स्वीकार किया है तो उसको परमाणु जो भी मतलब मेटेरियल होते हैं उसकी आपूर्ति कराने का भी काम किया है जबकि बीजिंग ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता ना हो इसके लिए हर एक प्रयास किया है देख कितने अच्छे पॉइंट मिल रहे ना भारत और अमेरिका क्यों पास आ रहे और दूसरा हम इसी के साथ इसी पॉइंट में यह भी सीख रहे हैं कि चीन और इंडिया के कॉन्ट्राडिक्शन क्या हैं देख सकते हैं तीसरा चौथा यानी कि जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा ग्लोबल टाइम्स जो कह रहा है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी रणनीतिक स्वायत्ता खो रहा है अब क्या उस बात से आप एग्री uh, करेंगे इन चार पॉइंट्स के बाद नहीं करेंगे तो उस क्वेश्चन में ग्लोबल टाइम्स को काउंटर करने के लिए ये सारे पॉइंट आपको जानने चाहिए आगे और भी हैं क्लियर हो गया तो यानी हम कोई स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी खो नहीं रहे क्योंकि हमारे और आपके रिलेशन में इतने कॉन्ट्राडिक्शन है जिसके कारण से हम वाशिंगटन के करीब स्वाभाविक जा रहे हैं ठीक है ना ये होता है आपका आगे आते हैं फिफ्थ भारत ने सॉरी अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए भारत का हमेशा समर्थन किया चाइना ने हमेशा विरोध किया है अब आप देख सकते हैं सिक्स भारत ने अब ये देख लिया ये महसूस कर लिया है कि वह पूरे विश्व में विनिर्माण की दृष्टि से चाइना का जो खालीपन है अब उसे भरेगा यानी अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग पावर के रूप में महसूस कर लिया है और स्वाभाविक है इस कारण भी भारत अब अपने आप को अलग ढंग से डेवलप कर रहा है वो चाइना के साथ अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीटर के रूप में मानता है और उसी रूप में डेवलप कर रहा है यह भी एक हमारा हो गया फिर इसके बाद देखिए भारत का अगला पॉइंट यानी क्या है और इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बदलने को अमेरिका हमेशा से सपोर्ट करता रहा है जैसा कि पीछे भी आप सरकारों को देख सकते चाइना ने और एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण है आप देखेंगे क्वाड में पहली बार चारों शीर्ष डिप्लोमेट्स आपस में मिलते हैं यानी कि अपने अपने राष्ट्रों के प्रीमियर्स वो मिलते हैं अभी जो विडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के भी फॉरेन मिनिस्टर और इन सबसे मीटिंग की है लेकिन वो टॉप नहीं है यानी कि कहीं ना कहीं यूएस की राजनीति में इंडिया एक केंद्रीय भूमिका में है चाहे उसकी अपनी आवश्यकताएं क्यों ना हो अब इसके बाद क्या है अगला है अगला पॉइंट पॉइंट भारत वन वन बेल्ट रोड यानी स्कीम का हमेशा से विरोध करता करता रहा करता रहा क्यों क्योंकि वह भारत की सॉबर यानी भारत की संप्रभुता पर एक खतरे की तरह क्यों क्योंकि इसी बी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा इस पॉइंट में लिखा हुआ का एक हिस्सा सी पैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक भारत के संप्रभु यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकल रहा है तो भारत इसका विरोध करता कहता है कि हमारी संप्रभुता पर अटैक है और ऐसे में इस बी जिसके कारण चीन कहीं कहीं स्ट्रेटिक रूप से बढ़त की स्थिति में है तो इंडिया चाहता है क्वाड सहयोगियों के साथ वह बी का एक अल्टरनेटिव यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक वैकल्पिक विकल्प प्रस्तुत कर सके तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है अब यह भी अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन यह भी आपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है कि क्या आप इस डू यू अग्री क्या आप इस बात से सहमत हैं कि क्वाड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक विकल्प बनने की संभावनाओं से युक्त है यानी क्या उसमें उतनी संभावनाएं हैं टिप्पणी कीजिए कमेंट कीजिए तो इंडिया ऐसा चाहता है ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है फिर इसके बाद क्या है कि दिल्ली हमेशा से इस चीज को देखता रहा है कि जो चाइना की जो मिलिट्री प्रोफाइल है जो उसकी सैन्य शक्ति है वो जिस हिसाब से बढ़ रही है और जिस प्रकार से उसने महाद्वीप में एशिया महाद्वीप में और हिंद महासागर में भारत के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न की हैं वैसी पृष्ठभूमि में इस असंतुलन को वह वाशिंगटन के साथ संबंध बढ़ा करके संतुलित करना चाहता है तो यह पॉइंट आप यहां से देख सकते हैं तो यह पॉइंट देख सकते हैं आठ पॉइंट निकल कर कितना बढ़िया आपका पूरा कंटेंट तैयार हो गया क्या तैयार हो गया कि भारत और चाइना के कॉन्ट्राक्टिक्शन और फिर क्या तैयार हो गया कि क्यों भारत और अमेरिका साथ आ रहे हैं एक साथ क्योंकि वो हर एक पॉइंट पर इस समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं अब इसके बाद आते हैं और क्या किया जाए यानी आगे का रास्ता इन्होंने बताया ठीक है ना तो अब आप यहां से देख सकते हैं यानी इन्होंने कहा कि जो इंडिया की भागीदारी है वह ब्रिक्स की तुलना में क्वाड के साथ ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकती है यानी भारत ब्रिक्स की तुलना में क्वाड को ज्यादा महत्व दे सकता है देखिए बड़ा अच्छा मुद्दा है यही कि क्या इंडिया क्वाड को लेकर के ज्यादा महत्वाकांक्षी है इन कंपेयर ब्रिक्स तो यह चीज आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी एक थॉट प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास एक कंटेंट होना चाहिए तो यह हो गया आपका यहां से आप देख सकते हैं क्लियर हो गया तो अब यहां तक आपका हो गया ठीक है ना तो यही इन, इन्होंने कहा कि क्वाड अब क्या होगा कहीं ना कहीं इंडिया उस पर ज्यादा फोकस हो, हो सकता है द ब्रिक्स कुड सर्टेनली बिकम अ प्रोडक्टिव फोरम समडे वेल्ही एंड बीजिंग मिटिगेट देयर मल्टीपल कंटेंशन यानी कि ऐसा नहीं है कि क्वाड ही क्वाड रहेगा ब्रिक्स भी भारत मतलब एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता में आएंगे हिंदुस्तान की लेकिन वो तभी आ पाएगा जब भारत और चीन यानी दिल्ली और बीजिंग के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो तनाव के बिंदु हैं उनको दूर कर लिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्वाड और वृक्ष में लेखक क्वाड के साथ जा रहे हैं आप कहाँ जाना चाहते हैं आप उस पर विचार कीजिएगा अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए टॉपिक कितना बढ़िया था कई एंगल्स हम लोगों ने उसकी उसका समझा और इस पर प्रिलिम्स कल सुबह नौ बजे प्रिलिम्स फंडा में कल सुबह नौ बजे प्रिलिम्स फंडा में क्वाड के जितने जितने पॉइंट बोले हैं ब्रिक्स के जितने बोले सब आपको क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे और एक चीज बताना भूल गया भाई कि केवल वही नहीं हो रहा है कि ये प्रिलिम्स फंडा में यानी इसमें जनवरी 2020 से अप्रैल इक्कीस तक का करंट अफेयर्स भी हो रहा है और इकोनॉमिक सेगमेंट स्टार्ट हुआ जिसमें हमने जनवरी का खत्म कर लिया है जनवरी का खत्म कर लिया ये चीज आप ध्यान रखिएगा और कल हम फरवरी का इकोनॉमिक खत्म करेंगे यानी पूरा करंट अफेयर्स ठीक है दस लेक्चर में दस महीना खत्म हो जाएगा आप समझ सकते हैं यानी इसी महीने हमारा ये सारी चीजें हो जाएंगी प्रिंस फंडा आप रेगुलर चलता रहेगा अ जॉइंट लीव फॉरवर्ड फॉर द क्वाड अब देखिए अभी आगे यानी ये टॉपिक क्या है देख सकते हैं जॉंट लीप यानी कह रहा है क्वाड के लिए एक विशाल चलांग यानी आप देखिए क्वाड के लिए विशाल चलांग यानी जो वर्चुअल समिट हुई है फर्स्ट एवर वर्चुअल समिट जिसमें चारों भागीदार चारों पार्टिसिपेटरी जो देश है कंट्री है उनके शीर्ष यानी टॉप डिप्लोमेट्स ने हिस्सा लिया शीर्ष राजनयिकों ने हिस्सा लिया और ये यहाँ पर जिस तरीके की वर्डिंग्स का इस्तेमाल हुआ जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिस समझ के साथ बातें रखी गई हैं, एडिटोरियल राइटर कहना चाह रहे हैं वह क्वाड में यानी अभी तक की क्वाड की जर्नी में क्वाड की यात्रा में एक क्या है एक बहुत बड़ी छलांग यानी यहाँ पर क्वाड बहुत आगे बढ़ गया है और इसकी प्रियोरिटीज भी बदल गई हैं तो क्वाड के लिए एक जाइंट लीव फॉरवर्ड फॉर क्वाड ये आप पढ़ने जा रहे हैं तो आइए देख सकते हैं क्या क्या है तो ऑबियस पेपर टू एन आई आर आपका हो गया तो ठीक है द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक समूह ठीक है ना तो ये quad एक प्रकार से क्या है वैश्विक समूह हम मान सकते हैं PSIR हो गया आपका ठीक है ना क्या हो गया पी एस आई आर ऑप्शनल वैश्विक मत मानिए क्षेत्रीय ऑप्शनल हो गया सेम क्वेश्चन और इंटरनेशनल रिलेशन अगर ए वगैरह आता है तो मॉडल क्वेश्चन दोनों के लिए आई के लिए भी और पी के लिए भी जीएस के लिए भी और ऑप्शनल के लिए भी द फर्स्ट समिट ऑफ क्वाड इज द जाइंट लिप फॉरवर्ड डिस्कस यानी आपको चर्चा करनी है कि क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन एक विशाल छलांग है चर्चा करें अब आप देख सकते यानी वो कैसे एक जाइंट लिप है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठीक है ना तो कैसे है तो पहला पॉइंट यहां पर जो डिस्कस किया गया वो ये बताया गया कि जिस तरीके से डिप्लोमेट्स ने शब्दों को चूज किया यानी जो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए हैं बिना चाइना का सी लिखे यानी कि चाइना का नाम मतलब चाइना का सी भी नहीं लिखा गया लेकिन चाइना को कोड किया गया उसके साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में जिस प्रकार से आ, मतलब शांति और समृद्धि और वो भी समावेशन की बात की गई उसने जो इस रीजन के जो अन्य कंट्रीज हैं जो क्वाड का हिस्सा नहीं है उनके मन में एक पॉजिटिव एटमोस्फियर एक सकारात्मक वातावरण क्वाड के लिए क्या कर दिया है पैदा कर दिया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ऑब्वियसली क्वाड की कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं तो कहीं ना कहीं इनके कही प्रति चाहे आशियान कंट्रीज हो या अन्य एक अच्छा भाव हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया जा रहा है अब तो पर बताइए एक विशाल चलांग में सबसे पहले कहा गया कि क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो सितंबर 2019, 2019 और फरवरी 2021 के बीच तीन बार मिलते हैं यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है वो इतने कम समय में तीन बार हुई यानी इसका मतलब कि क्वाड 2019 सिंस 2019 से अब क्या हो रहा था यानी वो एक स्ट्रांग पोजीशन में आ रहा था और इसी को कहा गया है कि अब जो फर्स्ट एवर समिट हुई आज जायंट लीप है फॉर द क्वाड यानी कि एक बहुत बड़ी छलांग है तो पहले ये चल रहा था अब क्या हुआ छलांग का मतलब क्या हो गया छलांग का मतलब हो गया यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन और उसके बाद जापान उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उसके बाद इंडिया के प्र, प्राइम मिनिस्टर यानी जो बिडेन ने एक वर्चुअल समिट होस्ट की आप देख सकते हैं और जैसे उन्होंने इसको अनाउंस किया अन्य तीन लीडर्स ने इन्होंने अनाउंस किया इन तीनों ने उस अनाउंसमेंट को कैच कर लिया और एक साथ इन्होंने एक ग्लोबल सबमिट की तो पहला तो यह था कि जिस तरीके से चारों नेतृत्वकर्ताओं ने फोर लीडर्स ने क्वाड के इस समिट के लिए उत्साह दिखाया वह एक विशाल एक छलांग की तरह है और एडिटोरियल राइटर कहते हैं कि अब क्वाड को एक ढीला गठबंधन नहीं कहा जा सकता द क्वाड इज नो लॉन्गर अ लूज क्वालेशन यानी अब वो कोई भी ढीला गठबंधन नहीं है अब फिर आता है द सबमिट आउटकम अब देखिए शिखर सम्मेलन के क्या क्या आउटकम्स रहे हैं क्या क्या उसके परिणाम रहे हैं यह अच्छा पॉइंट हो गया तो क्वाड सबमिट और उसके रिजल्टेंट क्यों की पॉलिटी में क्वेश्चन आ सारे एस आर में क्वेश्चन आ चुका है तो इसका मतलब आज इंतजार करिए आपका पूरा का पूरा मामला बनने वाला और आज का दिन द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में पीएसआईआर वालों के लिए आगे के भी टॉपिक यानी जो आईआर के नहीं वो पॉलिटिक है वो भी आप ही लोगों के लिए तो आज पीएसआईआर वालों का दिन है द समिट्स आउटकम शिखर सम्मेलन के परिणाम देखिएगा पास्ट डिबेट ओवर डाइवर्स इवेंट डिफरिंग विजन ऑफ द इंडो-पैसिफिक आर ओवर यानी कि जो पहले बहस होती थी जो क्वाड के पहले जो बहस होती थी जिसमें जिस प्रकार से यानी कभी चाइना का नाम ले लिया गया कभी कुछ और ले लिया गया यानी कि ये वर्चुअल समिट से पहले क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते थे उनकी बैठक होती थी तो उस बैठक में कई विवादास्पद बिंदु उठ जाते थे लेकिन यह जो क्वाड हुआ है इन्होंने क्या किया है कि एक साफ सुथरी बातचीत यहां पर की गई है एकदम से डिप्लोमेटिक बातचीत की गई है याद रख सकते हैं और यहाँ पर जो बातचीत हुई है इन चारों के द्वारा तो यूएस एंड जापान जो है वह खुश हैं क्यों क्योंकि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जोन की बातचीत की गई है यानी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक तो अमेरिका और जापान को खुश करने के लिए यहां पर स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक की बातचीत हुई है ये दोनों खुश हो गए ठीक है ना यानी फ्री एंड ओपन यानी किसी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा भैया जैसे चाइना चाहता फिर इसके बाद क्या है यानी कुछ और वाक्य आए जिन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को क्या कर दिया सेटिस्फाई कर दिया जैसे फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव एंड हेल्दी एंड एंकर्ड बाय डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड अनक्रेंट बाय कोरक्शन यानी मुक्त खुला समावेशी स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती और दबाव असंवैधानिक है ऐसा कहते हुए क्या किया गया ऐसा कहते हुए ऑस्ट्रेलिया और भारत को खुश किया गया यहां पर किसी प्रकार का वाय हस्तक्षेप नहीं होगा और सभी कंट्रीज का इसके अंतर्गत जो भी इंडिया पैसिफिक क्षेत्र में है सबका समावेशन किया जाएगा यानी क्वाड सबके बारे में विचार करेगा तो यानी ये यह बात यहाँ पर कहा गई कि जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो बहुत बेहतर रहा पहला और चारों कंट्रीज के लिए कुछ ना कुछ मिला इंडिया जापान और यूएस जो चाहते थे वह शब्द वहां आया इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो चाहते थे उस शब्द को यूज किया गया दूसरा ठीक है ना यानी दूसरा क्या हुआ कि सम्मेलन के जो लीडर्स थे उन्होंने सी शब्द यानी चाइना के सी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया और चाइना के प्रति अपनी अप्रोच को भी स्पष्ट कर दिया कैसे कर दिया जैसे पीछे आपने पढ़ा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और चाइना क्या करता है बर्चस्वी पॉलिसी एक फिर उसके बाद क्या आया फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक तो इसका मतलब उन्होंने जब फ्री ओपन इंक्लूसिव की बातचीत की तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उन्होंने चाइना के सी का भी उल्लेख नहीं किया लेकिन उनके प्रति अपनी अप्रोच को स्पष्ट कर दिया और इसके लिए एक एग्जाम्पल और भी आया कि यानी जो सिक्योरिटी चैलेंज सुरक्षा चुनौतियां हैं और नियम आधारित रूल बेस्ड मेरीटाइम ऑर्डर इन ईस्ट एंड साउथ चाइना सी तो आप देख सकते हैं सुरक्षा चुनौतियां और पूर्व और दक्षिण चीन समुद्र में नियम आधारित समुद्री क्रम आपको पता होगा कि चाइना संयुक्त राष्ट्र जो आ, आ, समुद्री सुरक्षा संधि है उसको स्वीकार नहीं करता दक्षिण चीन सागर में और अपने हिसाब से वहां पर अपनी नीतियों को लागू करता है उसी के बारे में यह स्टेटमेंट दिया गया है कि रूल बेस्ड होगा ईस्ट एंड साउथ चाइना सी में पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर को लेकर के क्वाड ने स्पष्ट संकेत दिया तो यही कहा जा रहा है कि वर्ड सी शब्द का उल्लेख भी नहीं हुआ और चाइना को संकेत कर दिया गया कि तुम्हारी मनमानी पूर्वी और दक्षिणी चीन समुद्र में नहीं चलने वाली है ठीक है ना तो अब आप देख सकते हैं ठीक है ना और इन्होंने कंपटीशन कॉपरेशन एंड कंफर्म कंफ्रंट्रेशन यानी प्रतियोगिता सहयोग और टकराव का एक स्मार्ट मिश्रण यहां पर प्रस्तुत किया तीसरा आउटकम क्या निकला क्वाड ने दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत द्वीप समूह और हिंद महासागर के क्षेत्र के देशों का विश्वास जीता है कैसे क्वाड ने यह विश्वास दिलाया है कि वह एक क्या है रिलायबल यानी विश्वसनीय समूह है जो उनके विकास और कल्याण के समाज के लिए प्रतिबद्ध है तो ये भी है यानी कि वो उनके डेवलपमेंट और वेल वेलबींग के लिए क्या है कमिटेड है आप इसे देख सकते हैं और फोर्थ है द आउटकम यानी शिखर सम्मेलन के परिणाम में चौथा पॉइंट क्या है थ्री वर्किंग ग्रुप को बनाया गया यानी कि तीन कार्यकारी समूह बनाए गए हैं मतलब जिसमें मिलकर के काम किया जाएगा सदस्य देशों के द्वारा पहला है वैक्सीन पार्टनरशिप इसको याद करिएगा ये आएगा क्वाड क्योंकि क्वाड इंडिया की विदेश नीति में बहुत ज्यादा महत्व रख रहा है तो ये सतर्क रहेगा इस पर वैक्सीन भागीदारी की जा रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर के भागीदारी की जाएगी और इसके अलावा जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उन पर भी काम किया जाएगा और कैसे किया जाएगा ज्वाइंट आर एन डी प्रोजेक्ट यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर संयुक्त अनुसंधान किया जाएगा आप इसे देख सकते हैं यहां पर और इसके लिए वह परस्पर एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे कोऑर्डिनेशन करेंगे तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट इसके बाद आते हैं पांचवा पॉइंट क्या हुआ और ये कहा गया कि जो ट्वेल्थ मार्च को यानी ये पहली सबमिट हुई है यह केवल अकेली नहीं होगी यानी अब लीडर्स ने यह कहा है कि जल्दी ही वह इस साल के अंत तक फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में मिलेंगे यानी फ्यूचर स्पष्ट कर दिया गया है कि क्वाड कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं अब ये चारों कंट्रीज की रणनीति का एक हिस्सा है एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेहतर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के लिए तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्या क्या आउटकम निकले यहां से पता लग गया अब इसके बाद आते हैं एक्सप्लेन जो आता है उसमें सेंटर वर्सेस स्टेट इन दिल्ली तो ये मजेदार टॉपिक यहां पर आपके सामने आता है चित्र देख के समझ गए होंगे प्रीलिम्स कहां पर है फेडरलिज्म पर सुबह आपको क्वेश्चन मिलेगा यूनियन टेरेटरीज पर मिलेगा सेंटर स्टेट रिलेशन यानी दिल्ली यूनियन टेरेटरीज पर तो ये कहीं भी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर टू और पी यानी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में जो पॉलिटी वाला पार्ट होता है वहां पर आप देख सकते हैं टू थाउजेंड पॉलिटी में राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व तो अब यहां से देखिए संघीय ढांचे से संबंधित विषय चुनौतियां यानी फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित जो भी चुनौतियां हैं कंसर्स हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर आप सबको पता है केंद्र और उस राज्य मिलकर के शासन का अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जब संचालन करते हैं और भारत ने दो यूटीज हैं जिनको क्या किया है यानी राज्य की तरह ही प्रशासनिक प्रक्रिया सौंपी है जिसमें से दिल्ली है पांडिचेरी है जहां पर चुनी हुई विधायिका और चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और एक प्रशासक होता है जिसे हम एल कहते हैं तो इन दोनों के मध्य शक्तियों के टकराव पर हमेशा से ही जो है मुद्दा गर्म रहता है शक्तियों का टकराव चुनी हुई विधायिका कैसे काम करे और जो प्रशासक महोदय हैं एल हैं वो कैसे काम करें यानी इनकी शक्ति क्या है और चुनी हुई विधायिका की शक्ति क्या है इसको लेकर के हमेशा से क्लैश रहा है जब सेंटर में और स्टेट में यानी कि दिल्ली में जो केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पर अगर एक ही सरकार रही जैसे कांग्रेस की रही और उसके बाद यूपीए के टाइम पर और शीला दीक्षित जी की रही तो इस टाइप का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लगा लेकिन जब से अलग सरकार बनी है कॉन्ट्राडिक्शन लगातार उभरते रहे हैं पीछे भी उभरे हैं और आप अभी भी उभर रहे हैं आप यही पढ़ने जा रहे हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर दोनों अपनी अपनी शक्तियों का अपनी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर इस्तेमाल करें केंद्र और राज्य और इसी के माध्यम से वह क्या करें संघवाद को एक बेहतर आधार दे लेकिन जिस प्रकार से विवाद केंद्र यानी कि केंद्र के द्वारा नियुक्त तो प्रशासक दिल्ली के और चुनी हुई जो विधायिका कार्यपालिका उसके मध्य शक्तियों को लेकर के जो भी तनाव रहते हैं उस पर यूपीएससी ने हमेशा निगाह रखी है और आपके सामने देखिए क्वेश्चन पूछा है आगे भी पूछा जाएगा चूंकि अब की बार वाला विवाद पिछले वाले से ज्यादा बड़ा है अब की बार वाला विवाद पिछले वाले से ज्यादा बड़ा है पिछला वाला क्या था यानी कि एलजी और दिल्ली सरकार में टकराट हो रही थी तो क्वेश्चन उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो 2018 में यूपीएससी ने उठा के चिपका दिया क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय जुलाई 2018 दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनीतिक को निपटा सकता परीक्षण कीजिए वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखिए बहुत बढ़िया टॉपिक जरा समझिए यानी केवल एक क्वेश्चन नहीं है दिस इज नॉट अ क्वेश्चन केवल ओनली ये एक क्वेश्चन नहीं है यानी हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो 2018 में क्वेश्चन में उठाया गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली और दिल्ली के प्रशासक यानी कि चुनी हुई और एलजी इनके मध्य शक्तियों के बंटवारे को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या वह सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है तो आपको वो सारे पॉइंट बताने थे जो आगे दिए गए हैं लेकिन जो अभी घटनाक्रम हुआ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्पष्ट रूप से कहता है कि नहीं अगर हम कोई पूछे वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन सेटल द पोलिटिकल बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एग्जामिन कीजिए यानी क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनीतिक कश्म को निपटा सकता है अब आप बताइए निपटा सकता है तो आप जो भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है वो आगे सब है अगर निपटा सकता तो फिर विवाद क्यों होते विवाद तो 18 के बाद भी लगातार रहे और अभी तो सबसे बड़ा वाला विवाद आ गया है जब एलजी की शक्तियों को बढ़ाने वाला एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है कहां पर लोकसभा में यानी टेबल पर आ गया है वो तो आई थिंक आप प्रश्न को समझ गए हैं इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर आपको आगे मिलने वाला शानदार समझाने वाला हूं शानदार सरकार ने के और राज्यपाल की शक्तियों प्रशासक की शक्तियों के मध्य सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया रहा है और वो जो कि बहुत क्लियर रहा यानी कि एकदम पिक्चर क्लियर थी वहां पर आइए देखते हैं अगला ऐसे सहकारी संघवाद मिथ का रियलिटी अब आप देखिएगा कॉपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब देखिए स्टेट एंड नेशनल ऐसा लेकिन अब आप देखिए सहकारी संघवाद तो यहां पर दिल्ली में चुनी हुई सरकार यानी कि जो इलेक्ट ठीक है ना चुनी हुई सरकार प्लस जो हमारे एलजी महोदय हैं यानी कि इनके मध्य में जो टेंशन रहते हैं शक्तियों के विभाजन को लेकर के मॉन्टेस्कू के शक्तियों के प्रतिक्रण के सिद्धांत को लेकर के तो वह साफ साफ दिखाते हैं कि कही कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक मिथ के रूप में यानी एक पार्ट उसका एक मिथ के रूप में यहां पर दिखाई देता अब आपको तो आंसर लिखना है तो कंटेंट कहां से लाएंगे तो यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस सेंटर अब क्या मामला उठ गया है तो आप देख सकते हैं तो भैया केंद्र ने सोमवार को क्या किया है इंट्रोड्यूस किया है कौन सा एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल एनसीआर संविधान संशोधन बिल 2021 ओ सॉरी एनसीआर संशोधन बिल 2021 और कहां पर ये इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में ये आप देख सकते हैं क्लियर है अब ये आज हिंदू की फ्रंट पेज की भी न्यूज है क्या न्यूज है कि अगर ये बिल बिल टू डिफाइन ये इस एडिटोरियल का नहीं बिल टू डिफाइन दिल्लीज़ एल जी पावर्स मूव्ड इन लोकसभा ठीक है ना यानी कि जो होम मिनिस्ट्री है गृह मंत्रालय है उन्नीस सौ इक्यानवे का एक एक्ट है उसमें संशोधन करना चाहता है इस बिल के द्वारा और इसके माध्यम से दिल्ली के जो एलजी हैं उनकी पावर यानी ऑब्वियस सेंटर की पावर को यहां पर बढ़ाया जा रहा है यह एक मुद्दा है आप देख सकते हैं यानी इस बिल में जो एडिटोरियल में उठाया गया है कि यह जो बिल है उन मामलों में भी एलजी को विवेकाधीन देख लीजिएगा डिस्क्रिशनरी पावर विवेकाधीन शक्तियां दे देता है जहां दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है अब देखिए एकदम है द बिल गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर्स विवेकाधीन शक्तियां टू द एल जी एल जी को दिया जाता है डिस्क्रिशनरी पावर कहां पर इन मैटर्स कहां वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इज इम्पावर्ड टू मेक लॉ जहां पर दिल्ली की विधानसभा जो चुनी हुई है वह अभी कानून बनाने को लेकर के शक्ति प्राप्त है उसके पास भी पावर है अब आप यहां पर विचार कर सकते हैं यह मुद्दा गरमाया और गरमाया होम मिनिस्ट्री क्या चाहती है उन्नीस के एक्ट को बदलना चाहती है तो ऑबियस अभी कल हम लोग प्रिलेंस फंडा में करेंगे ये एक्ट क्या है इसमें क्या क्या है अभी आप लोग अच्छे से करिए जिससे कल एकदम 100 परसेंट सटीक आंसर मारिए और ऐसा तो नहीं कि 21 वालों के नहीं है 22 वाले सबके लिए दिल्ली इज अन टेरेटरी विदिस्लेचर एंड इट केम इनटू टू इन 1991 तो आप देख सकते हैं उन्नीस सौ इक्यानवे में यहां पर एक विधायिका की स्थापना की गई ठीक है और यह अनुच्छेद उनतालीस ए ए के तहत क्या करता है यानी पूरा सिस्टम अपना संचालित करता है जिसे हम सिक्सटी नाइन्थ संशोधन अधिनियम कह सकते हैं दिल्ली इज यूनियन टेरेटरी एक यूनियन टेरेटरी है लेकिन यहां पर लेजिस्लेचर है विधायिका है और यह जो पूरा सिस्टम है कि यूटी के साथ विधायिका भी है इट केम इन टू बींगे उन्नीस सौ इक्यानवे में अपने अस्तित्व में आया अंडर किस आर्टिकल आया आर्टिकल टू थर्टी नाइन डबल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जिसे इंसर्ट किया गया संविधान में बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्सटी अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन यानी उन्नीस के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे किया गया संविधान में तो आप देख सकते हैं आपको पता लग गया होम मिनिस्ट्री जिसमें संशोधन करना चाहती उसके बारे में आपको क्लियर हो गया कि वो कैसे आया और कब आया इस लॉ के अनुसार यानी जो दो ए ए है टू थ्री ए ए है यानी जो अभी का ये एक्ट है याद रखिएगा या यह लेजिस्लेटिव असेंबली को एकदम क्लियरली समझिएगा यह विधानसभा को क्या देता है यानी कि शक्ति प्रदान करता है कि वह सभी मामलों में कानून का निर्माण कर सके एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड अब आप यहां से देख सकते हैं कि क्या कह रहा है यानी सार्वजनिक व्यवस्था पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी मामलों में कानून बनाने की शक्ति यहां पर है इसका मतलब पिक्चर इज क्लियर एकदम से पिक्चर यहां पर क्लियर दिखाई दे रही है कि कानून क्या कहता है लेकिन आपको अच्छे से पता है कि भारत में जो राज्यपाल की भूमिका रही है वो चाहे हम उन्हें एल कहें, चाहे राज्यपाल अन्य राज्यों में तो जो इनकी भूमिका रही है वह हमेशा केंद्र के एजेंट के रूप में रही है और इस पर लगातार प्रश्न भी आते रहे हैं तो क्योंकि यह केंद्र के द्वारा नियुक्त तो व्यक्ति होता है अगर केंद्र से इतर सरकारें यहां रहती हैं तो एक समस्या एक टसल जो है पावर में पावर शेयरिंग में यानी कि शक्ति के शेयर में हमेशा बना रहता है यह मुद्दा है अब मुद्दा हुआ तो पेज नंबर कौन सा है भैया पेज नंबर तीन या चार पे ये पेज नंबर तीन की न्यूज है आज की बीजेपी वांट्स टू ट्रिम दिल्ली गवर्नमेंट पावर चीफ मिनिस्टर अब देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी इस बिल के माध्यम से दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करना चाहती है और यहां देखिए लिखा भी हुआ है क्यों इनके कहने का आधार क्या भैया जो बिल है ये देगी क्या देगी डिस्क्रिशनरी पावर विवेकाधीन शक्तियां किसको लेफ्टिनेंट गवर्नर को इवन उन मैटर्स में वेर जहां द डेल्ही लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी इंपावर्ड है टू मेक लॉ यानी कानून बनाने की उसकी अपनी शक्ति है उसके बाद भी अब आप देख सकते हैं क्लियर है ठीक है और बीजेपी क्या कह रही है कि अमेंडमेंट आवश्यक है क्यों आवश्यक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है जिसके बारे में आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है 2018 जुलाई में तो बीजेपी कह रही है कि उस जजमेंट को ना मान करके और अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग कर रही है दिल्ली की सरकार यानी असंवैधानिक ढंग से वो काम कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसका अनुपालन नहीं कर रही इसलिए हम बिल लेके आएंगे तो अब आप देख सकते हैं टसल स्टार्ट है तो ये क्या कहते हैं बीजेपी क्या कहती अब आप पक्ष और विपक्ष भी बिल का विपक्ष अरे पक्ष और बिल का विपक्ष आपके सामने मैंने रख दिया पेज नंबर तीन या चार की ये न्यूज है अब आगे आते हैं बैकग्राउंड थोड़ा सा समझा जाए वह मुद्दा खत्म होता है यहां पर हमारी एंट्री स्टार्ट होती है यानी एक्चुअल में ये मुद्दा है क्या रट लीजिएगा क्या प्रश्न आया था कि क्या जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद एलजी और चुनी हुई सरकार के बीच में टसल समाप्त होगा यही प्रश्न था ना 2018 में तो इसका मतलब 2021 वाले तैयार रहिए जो ये बिल आया है इसको लेकर के क्वेश्चन बन सकता है फिर से दिल्ली में सब रहते हैं कमीशन भी रहता है तो ऑबियस है वो लोगों की निगाह में रहता है और जो निगाह में मुद्दे रहते हैं वही क्वेश्चन के रूप में पेपर सेटर सेट कर देते हैं तो आइए देखते हैं जिस निर्णय की बात दिल्ली के सीएम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के निर्णय के बाद चीजें स्पष्ट हैं सरकार गलत हस्तक्षेप कर रहे, ठीक है और इसी की बात विपक्ष भी कर रहा है कि इस निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ना मानते हुए दिल्ली की सरकार अनकांस्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक ढंग से कार्य कर रही तो आइए यहां पर देखते हैं मुद्दा क्या है बैकग्राउंड 4 जुलाई 2018 यही प्रश्न उठा के यूपीएससी ने चिपकाया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक एक एक चीज समझिएगा अपने ऐतिहासिक जजमेंट में कहा था क्या कहा था कि दिल्ली में एल जी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करें एकदम सारा मुद्दा आपका आज आज के बाद दिल्ली पर कोई भी मुद्दा आएगा आपका 100 परसेंट क्लियर रहेगा एकदम मान के चलेगा पीछे मैंने सब क्लियर कर दिया यह भी आपका क्लियर होने वाला है और एक बार बताइएगा कि हंड्रेड परसेंट क्लियर हुआ कि नहीं अभी नहीं अब जब हो जाए तब तो दिल्ली में एलजी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे द पॉइंट वन सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के अधिकार को सीमित करते हुए अपने फैसले में कहा था देख लीजिए यानी सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के अधिकार को सीमित करते हुए अपने फैसले में कहा था क्या कहा कि एलजी स्वतंत्र तौर पर काम नहीं करेंगे एलजी स्वतंत्र तौर पर काम नहीं करेंगे अगर कोई एक्सेप्शन है तो वह मामले को राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं देखिए यानी क्या करें कर सकते हैं यू कुड ठीक है ना और जो फैसला राष्ट्रपति लेंगे उस पर अमल करेंगे यानी खुद कोई फैसला नहीं लेंगे <laughs> देखिए कितना क्लियर है खुद कोई फैसला नहीं लेंगे सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने राजधानी दिल्ली में प्रशासन के लिए एक पैरामीटर तय किया था ठीक है ना इस निर्णय से पहले यानी कि ये जो जुलाई का डिसीजन था कई सालों से दिल्ली में एलजी और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई जारी थी और अनुच्छेद दो सौ उनतालीस टू थ्री नाइन ए ए की सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी यानी इसके पहले लड़ाई चल रही थी यह लाया गया क्लियर स्थिति बता देगी आगे और भी एकदम अच्छा हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच थी यह संवैधानिक बेंच थी याद रखिएगा ने कहा था कि अनुच्छेद टू थ्री नाइन ए यानी इसकी व्याख्या करते हुए कहा था के अंतर्गत एल के लिए अनिवार्यता है यानी देख सकते हैं आप शब्दों को पकड़िए कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करें या फिर मामले को राष्ट्रपति को रेफर करें वह खुद स्वतंत्र तरीके से फैसला नहीं लेंगे क्यों क्योंकि लोकतंत्र में चुनी हुई विधायिका के पास ही जो ठीक है ना चुनी हुई विधायिका के पास ही पावर होती कैसे होती भारत ने लोकतंत्र में कौन सा लोकतंत्र अपनाया प्रतिनिधि लोकतंत्र जिसमें हम सब अपने प्रतिनिधियों को ठीक है ना एक क्षेत्र से चुन करके कहा भेजते हैं विधायिका में भेजते हैं कि वो वहां पर जाकर के और हमारे लिए काम करें यानी संसदीय लोकतंत्र में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव जो एम और एमपीज होते हैं रिप्रेजेंटेटिव तो होते हैं किसके जनता के तो स्वाभाविक है अगर कहीं पर इलेक्शन के द्वारा इस प्रकार की सत्ता है तो स्वाभाविक है उसे ही निर्णय लेना चाहिए डेमोक्रेटिक ढंग बॉस बताया था अब देखिएगा दिल्ली हाई कोर्ट ने एलजी को दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस बताया, बताया था जिसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी इसी मामले पर निर्णय है यानी यह मामला है यह केस है जिस मामले पर यह सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा तक भाई बॉसवास कत ही नहीं आप दिल्ली सरकार ही बॉस है ठीक है ना तो सुप्रीम कोर्ट के पांचों जजों ने यानी संवैधानिक पीठ थी एक मत से फैसला दिया क्या दिया कि दिल्ली में एल की स्थिति राज्यों के गवर्नर जैसी नहीं है वह एक एडमिनिस्ट्रेटर है एक प्रशासक है केवल तो इसकी डिस्क्रिशनरी पावर विवेकाधीन शक्तियां आप मत बढ़ाइए राज्य राज्यों के गवर्नर के पास हैं तो वहां की कंडीशन अलग है यहां की कंडीशन अलग है ठीक है ना आपके वाले एक एडमिनिस्ट्रेटर तो यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वर्ष उन्नीस में संविधान में सिक्सटी संशोधन कर अनुच्छेद दो ए ए का प्रावधान किया गया था जिसमें दिल्ली को विशेष प्रावधान के तहत अपने विधायक चुनने का अधिकार दिया गया ठीक है ना ये आपको अच्छे से याद है दिल्ली के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था की गई पूरी संवैधानिक स्थिति दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिचुएशन है जो स्थिति है विधानसभा की व्यवस्था की गई जिसे राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हो गया यानी अब आप क्या पढ़ रहे कोपरेट क्या पढ़ रहे संघवाद क्या भारत पूर्ण संघ है अर्धसंघ है तो ये सब क्या है अर्धसंघ के उदाहरण यानी केंद्र ज्यादा ताकतवर है हालांकि पब्लिक ऑर्डर पुलिस और भूमि को इसके अपवाद में रखा गया जो केंद्र के नियंत्रण में रहेंगे अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा मोनार्की आप समझ सकते हैं निरंकुशता के लिए जगह नहीं है बेंच ने 18 के फैसले में संविधान के रचनात्मकता की व्याख्या करते हुए कहा था कि इसमें निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं साथ ही अराजकता के लिए भी कोई स्थान नहीं क्या बात है ठीक है ना कितना बढ़िया है अगर आप इसको इंटरलिंक करना चाहें उस स्टेटमेंट से जो ऐसे में आया था क्या आया था अनुशासन का अर्थ है सफलता और अराजकता का अर्थ है विनाश तो आप दिल्ली सरकार के इस स्टेटमेंट को भी डाल सकते हैं अरे सॉरी सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट को भी डाल सकते हैं जो उन्होंने दिल्ली में चुनी हुई विधायिका और एल के विवाद शक्तियों के विवाद के संदर्भ में दिया था और यह कहा था क्या कहा था कि भारतीय संविधान में रचनात्मकता जो है वो कहती है कि निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं है और अराजकता के लिए भी कोई स्थान नहीं यानी अनुशासन की बात करते हैं और अनुशासन की बात करते उन्होंने दोनों की शक्तियों को लेकर के जो एक अराजकता का माहौल था उस अराजकता के माहौल को अपने निर्णय से अनुशासन की तरफ आगे ढकेल दिया तो आप लिख सकते हैं निबंधों में इस प्रकार की भाषा अदालत ने संविधान की व्याख्या करते हुए कहा था क्या कहा था कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था और भावनाओं को देखा जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है जो कानून बनाते हैं और नीति तय करते हैं मैंने यही बताया आप लोगों को भी चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं ऐसे में अगर मंत्रिपरिषद का कोई भी वैधानिक फैसला एल के अलग स्टैंड के कारण समाप्त हो जाए या निष्प्रभावी हो जाए तो फिर लोकतंत्र में जवाबदेही खत्म हो जाएगी संतुलित संघीय व्यवस्था का मतलब है कि केंद्र तमाम अधिकार अपने पास ना रखे बल्कि राज्य अपनी परिधि में बिना दखल के काम कर सके देख सकते हैं संघवाद पर भी यहां प्रश्न उठा दिया गया है तो आप देख सकते हैं एलजी को सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया था अब आप यहां से देख सकते बेंच ने कहा था कि टू नाइन ए ए में जो व्याख्या उसमें एलजी को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है यह अनिवार्यता तब तक होगी जब तक कि वह क्लास फोर के तहत मामले को राष्ट्रपति को रेफर ना कर दे यानी कि जैसे उनको लगता है कि भाई अब हम मतलब इस पर सहमति नहीं हो सकती तो राष्ट्रपति को भेजें अपने पास ना रखें एलजी को खुद स्वतंत्र तौर पर फैसला नहीं लेना है वह या तो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे या फिर राष्ट्रपति को रेफर करेंगे और राष्ट्रपति के फैसले पर अम, अमल करेंगे अपवाद यानी कुछ एक्सेप्शन भी थे उसमें कहा गया कि एल किसी भी मामले को राष्ट्रपति को रेफर कर सकते ये इंपॉर्टेंट ये शब्द पकड़ेगा किसी भी मामले को लेकिन किसी भी मामले का मतलब हर मामला नहीं हो सकता यह भी आप देखिएगा किसी का मतलब हर मामला नहीं गजब कंफ्यूजिंग टाइप का है हर मामला नहीं है एल को अपवाद स्वरूप रेफर करने का अधिकार मिला है वह सामान्य कानून नहीं यानी कोई जनरल लॉ नहीं है ठीक है ना राष्ट्रपति को रेफर करते हुए वह इस बात को ध्यान में रखेंगे कि संवैधानिक विश्वास संवैधानिक नैतिकता संघीय ढांचे का सिद्धांत और संतुलन कायम रहे ये आप रट लीजिएगा ये बहुत अच्छा है कम से कम इस प्रकार के एक डिसीजन को अगर आप याद रखते हैं तो आपको बहुत मदद करेगा ये जो शब्द है ना बहुत बढ़िया ठीक है ना यह पूरी तरह साफ है कि दिल्ली को संविधान की मौजूदा व्यवस्था के तहत राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता फैसले में दिल्ली का एक विशिष्ट दर्जा है और यहां के उपराज्यपाल उप का पद राज्य के राज्यपाल जैसा नहीं बल्कि वह एक सीमित रूप में प्रशासक ही है तो अब आइए देखते हैं दिल्ली सरकार को क्या मिला यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रट लीजिएगा आप लगातार ये हिंदू में इंडियन एक्सप्रेस में यह आता रहेगा तो हम लोग अगर अच्छे से आज ही पढ़नी है तो आगे हम कई विचारों को अपने दिमाग में रख पाएंगे दिल्ली सरकार को क्या मिला 239 एए के तहत सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है क्या व्याख्या की है कि मंत्रिपरिषद के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है क्या है मंत्रिपरिषद के पास एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्ति उसके पास है मंत्रिपरिषद राज्य और समवर्ती सूची में जो भी विषय उसमें तीन अपवाद को छोड़कर बाकी मामलों में स्वतंत्र होकर काम कर सकती तीन अपवाद कौन है पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड यानी भूमि को छोड़कर राज्य सूची में जो भी विषय उसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है जो भी फैसला सरकार लेगी उसके बारे में वह एल को अवगत कराएगी लेकिन एल की सहमति जरूरी नहीं है यहीं पर विवाद हो जाता है अपवाद के तहत एल किसी मामले को राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं लेकिन इसका अर्थ हर मामला नहीं तो इसको रट लीजिएगा जो पीछे था उसको पॉइंट में यहां पर कर दिया गया है बहुत बढ़िया है एल को क्या मिला यानी एल को क्या मिला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजमेंट में दिए गए सिद्धांत को ध्यान में रखकर मामले को एल डील कर सकते हैं यानी जजमेंट में जो व्यवस्था देगी उसी दायरे में काम करना होगा टू थर्टी नाइन क्लास फोर में अपवाद की व्याख्या की गई है इसके तहत एलजी अपवाद वाले मामले को राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं आई होप यह पॉइंट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया है अब अगला टॉपिक आता है इंडियन एक्सप्रेस का व्हाट इंडिया नीड फॉर पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन यानी भारत पॉपुलेशन के स्टेबलाइजेशन के लिए क्या करे क्या चाहता है ठीक है तो ये आप यहां पर देख सकते हैं वाट इंडिया नीड्स फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए भारत को क्या करना चाहिए भारत क्या करे बहुत बढ़िया टॉपिक ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी है एनालिसिस कीजिए What इंडिया नीड्स फॉर पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन जनसंख्या स्त्रीकरण के लिए भारत को क्या करना चाहिए विश्लेषण कीजिए व्याख्या कीजिए कुछ भी आता है तो आप इसको याद रखिएगा ठीक है ना यानी जनसंख्यकीय तनाव के ऊपर लिखा गया है डेमोग्राफिक डिस्ट्रेस के ऊपर लिखा गया बहुत बढ़िया लिखा गया है मजा आएगा आपको पढ़ करके सबसे पहले यहां पर है ठीक है तो देखते हैं जीएस वन सोसाइटी यानी समाज आपका आ गया आई क्यू आई पी एच एल एम जो नए बच्चे होंगे आईक्यू आई पी का मतलब इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यानी चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना अब आप यहां से देख सकते हैं क्या महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन यानी रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे सीधा सीधा यहां से कनेक्ट यह हो रहा तो महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन से एक क्वेश्चन आया था मैंने केवल चर्चा के लिए यहां रखा है टू थाउजेंड सॉरी एटीन में आया था पंद्रह नंबर का था भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है अपने विचार को प्रमाणित कीजिए यानी सिंपल है समझिएगा इसको यानी भारत में जो भी महिला के आंदोलन हुए इन इंडिया हैज नॉट एड्रेस उन्होंने एड्रेस नहीं किया है द इश्यू ऑफ वुमेन ऑफ लोअर सोशल जो स्तर की महिलाएं हैं किसका यानी कि जो निम्न सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया अब आप मुझे बताइए निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दे अगर आपको पता है नहीं है तो क्या आप लिख पाएंगे मु、मुझे बताइए निम्नतर सामाजिक स्तर यानी जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनके मुद्दे क्या उनके मुद्दे क्या है क्या इसकी लिस्ट आपको पता है बनाई ठीक है ना तो हम यहां पर महिलाओं के आंदोलन को हटा रहे हैं निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दे यहां पर आएंगे जो जनसंख्या के साथ कनेक्टेड है और फिर कोई प्रश्न आएगा तो आप उसको यहां पर लेकर के मतलब कोई भी अगर ऐसा प्रश्न आता है जिसमें निम्नतर सामाजिक महिलाओं की बातचीत होती है और उनके लिए चाहे वुमेन मूवमेंट रहे हो या कोई और इश्यूज रहा हो उसमें कितना ध्यान दिया गया है तो आपको बड़ा मजा आएगा यानी महिलाओं के मुद्दे एक उसका हिस्सा जनसंख्या से जुड़ा हुआ क्या है उसको हम पढ़ने जा रहे दूसरा देखिएगा दू दूसरा क्या आ गया यानी जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे गरीबी और विकासात्मक भि विषय है जनसंख्या और गरीबी का एक गहरा संबंध 2015 में आए क्वेश्चन समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या कि निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया अब आप देख सकते हैं कह रहा क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए कि जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है <laughs> यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधन तो लिमिटेशन है ठीक है ना और इन संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है गरीबी का चक्र भी है चल रहा है तो बढ़ती हुई जनसंख्या इसका मुख्य कारण है ठीक है लेकिन हम यूपीएससी के एस्पिरेंट है केवल यही नहीं प्रूव कर देंगे मुख्य कारण इस मुख्य कारण में जनसंख्या एक कारण है लेकिन एक कारण नीतिगत है यानी पॉलिसी में भी कमी है और नीतिगत क्या है ऑबियस है कि हमने खासकर उत्तर भारत के जो राज्य उन्होंने जनसंख्या नीति को बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं अगर किया भी तो वो पेपर्स में रही लोगों के बीच में नहीं जा पाई लोगों के बीच में अगर गई भी तो जो जनसंख्या नियंत्रण के इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक नहीं किया गया उन तक पहुंचाया नहीं गया खासकर सामाजिक स्तर पर जो कमजोर महिलाएं हैं वहां तक तो आप यहां से देख सकते हैं तो निर्धनता अब ठीक है ना तो यानी पॉलिसी फ्लॉड यानी कि नीतियों में भी त्रुटिहीनता है या कि निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण अभाव आप बताई निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण ऑबियस है अगर गरीबी है तो स्वाभाविक है आप उठा के चेक कर लीजिए जो बीमारू राज्य हैं और उनसे जो अलग अलग हुए हैं राज्य बीमारू राज्य जितने भी हैं आप देख सकते हैं पूरा जनसंख्या में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन इन्हीं का है जो प्रूफ करता है कि निर्धन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है और उसके रीजन पहला अशिक्षा और दूसरा गरीबी <laughs> दूसरा गरीबी यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं का न पहुंचना और मृत्यु दर का ज्यादा होना डेथ रेट का ज्यादा होना इसके अलावा गरीबी जिसके कारण से गरीबों के बच्चे उनके लिए एक फंड की तरह होते हैं वो काम करते हैं तो घर का खर्चा चलता है तो ये सारी बातें हैं तो ये ये भी हम मुद्दा यहां पर थोड़ा बहुत डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बिल्कुल बिना किसी करंट की न्यूज पे एक विचारात्मक थॉट वाला एडिटोरियल है सबसे पहले बताया गया है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यानी कुल जो प्रजनन दर है यहीं से स्टार्ट है वह जो साउदर्न स्टेट है दक्षिणी राज्य हैं वो नॉर्दर्न स्टेट यानी उत्तरी राज्यों की तुलना में ज्यादा बेहतर उन्होंने किया है यानी दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर बेहतर काम किया इन द कंपेयर ऑफ नॉर्थ स्टेट <laughs> क्यों किया वाई कि जो साउदर्न सरकारें हैं दक्षिणी सरकारों ने अपने राज्यों में रहने वाले परिवारों से अर्ज किया आग्रह किया कि आप केवल दो बच्चे पैदा करिए ठीक है ना और इसके बाद क्या हुआ महिलाओं की नशबंदी फीमेल स्टलाइजेशन को तुरंत आगे एक पॉलिसी के रूप में बढ़ा दिया गया तो आप देख सकते हैं यानी कि एक अपील एक इमोशनल अपील जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस सब्सिडी एलपीजी गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए एक इमोशनल अपील कराई थी ना जाने कितने करोड़ों लोगों ने अपनी एलपीजी छोड़ दी थी उसी प्रकार की अपील साउद में होती है तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं जरा देखिएगा ये हम पढ़ने जा रहे हैं जो जब हम इथिक्स पढ़ेंगे अब एक ठीक है ना और जब हम एटीट्यूड पढ़ेंगे यानी अभिवृत्ति पढ़ेंगे तो अभिवृत्ति को परिवर्तित करने वाले कारक द फैक्टर जो एटीट्यूड को चेंज करते हैं अभिवृत्ति को परिवर्तित करने वाले कारक क्या है अभिवृत्ति को परिवर्तित करने वाले कारक आपके सामने तो अभिवृत्ति को परिवर्तित करने वाले कारक आपके सामने हैं आप बताएंगे यदि हम दक्षिण दक्षिणी राज्यों के जनसंख्या वृद्धि को लें और जो वहां पॉलिसी अपनाई गई उसको लें तो आप देख सकते हैं कि लोगों की अभिवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए जो है वहां की सरकारों ने क्या किया आग्रह किया और इसे विज्ञापन के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया उसके साथ स्वास्थ्य सुविधाएं पर पहुंचाई शिक्षा बेहतर पहुंचाई तो उसका परिणाम हुआ कि जब सामाजिक संकेतक मजबूत हुए तो जनसंख्या पर नियंत्रण लगा उसके साथ साथ पॉलिसी में उन्होंने महिला नजबंदी को भी आगे बढ़ाया तो आप इसको यूज कर सकते हैं यानी एक ये फैक्ट है उत्तर भारतीय राज्यों में ऐसा नहीं किया गया अब देखिएगा द केस ऑफ यूपी एंड बिहार यानी यूपी और बिहार पर पूरा फोकस भारत की आबादी का कुल 23 परसेंट सौ में से तेईस लोग यहीं के और यह कहा गया है कि प्रोजेक्शन है अनुमान है कि अगले पंद्रह वर्षों में 12 परसेंट और 20 परसेंट से अधिक यानी ये जितना है इसमें 12 और 20 परसेंट और इंक्रीज हो जाएंगे तो इसीलिए एडिटोरियल राइटर कहती हैं इन दो राज्यों में अवांछित गर्भधारण या अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए अर, अर्जेंट रिक्वायर्ड है यानी तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है किस चीज को अनवांटेड प्रेगनेंसीज तो ये भारत में जब भी आपसे प्रश्न पूछे भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं तो एक रीजन तुरंत उठा के लिखिएगा अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ यानी लोग चाहते नहीं है लेकिन गर्भ धारण कर लेते हैं ये पॉइंट याद रखिए अब अगर आप गर्भ धारण कर लेते हैं तो स्वाभाविक है फिर सारी प्रक्रियाएं आगे आती हैं तो इसका मतलब है कहां कमी है परिवार नियोजन की नीतियों में कि हम अगर अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकें यानी अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि आप जिलाधिकारी बनने जा रहे हैं आप डीएम बनने जा रहे हैं और अगर मान लीजिए यूपी और बिहार में आपकी पोस्टिंग होती है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कंट्री का ट्वेंटी थ्री परसेंट है और प्रोजेक्शन है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा आने वाले टाइम में तो वहां पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करें तो आप तुरंत कहेंगे कि सर महोदय इन राज्यों में जो जनसंख्या वृद्धि का एक सबसे बड़ा कारण मैंने देखा है और जो यथार्थ भी है रियल है अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ तो मैं इस अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए यानी कि जिले में जो भी बजट और जो भी व्यवस्था मतलब मौजूद है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से लेकर के और अन्य परिवार नियोजन से संबंधित सुविधाएं उन सब को घर घर तक एक अभियान के रूप में पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी तो आपका आंसर जबरदस्त हो जाएगा यहां पर यही एडिटोरियल राइटर ने भी लिखा है ठीक है तो ये हो गया आपका Three things are needed. तीन चीजों की जरूरत है और ये केस स्टडी भी आ सकती है चलिए अच्छा वो याद आ गया ये इथिक्स में केस स्टडी भी आ सकती है ठीक है ना कि आप एक जिले के जिलाधिकारी हैं और वहां पर जो क्या है फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है और वह बहुत ही पिछड़ा जिला है सरकार ने आप के पास एक मतलब कार्य कार्य योजना प्रस्तुत की है और उस कार्य योजना में आपसे यह अपेक्षा की गई है कि आप जल्द से जल्द इस स्थिति को नियंत्रित करने में जो है मतलब सफलता प्राप्त करें या इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ कार्य करें या आपसे यह कह सकता है कि आप उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करके कि राज्य सरकार इस जिले में ऐसा क्या करे ठीक है ना जिससे कि जो है जन्म दर जो है जो बहुत बड़ी मात्रा में है गरीबी के बाद विवाह नियंत्रित हो सके और आपसे कहे कि आप एक ड्राफ्ट प्रस्तुत कीजिए तो आप ड्राफ्ट में क्या यही सारी बातें लिखेंगे जो मैंने इंटरव्यू वाले क्वेश्चन में बताई ठीक है अब आगे आते हैं थ्री थिंग्स आर नीडेड यानी कि तीन चीजों की आवश्यकता अब ये तीन चीज जो है ये उस प्रश्न का हिस्सा है कि महिला आंदोलनों में जो सामाजिक स्तर से कमजोर महिलाएं हैं उनके मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया यानी महिला आंदोलन में पैट्रियोरिटी को संबोधित किया गया कि जो है पुरुष सिगरेट पीते हैं हम भी पिएंगे वो बाइन पीते हैं हम भी पिएंगे यानी ये सत्य है। जब आप साहित्य पढ़ेंगे या नारीवादी चिंतन पढ़ेंगे नारीवादी विमर्श अगर हिंदी में एक किताब हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की राइटर कौन है मैं नाम उनका भूल रहा हूं उसका टाइटल है नारीवादी विमर्श एक बार आप लोग पढ़िए उसको अगर आप लोगों के पास टाइम होगा हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय बड़ी अच्छी किताबें होती हैं उन्हीं तो आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि नारीवादी आंदोलन जो भी हुए हैं जिसमें हम उसे वुमेन मूवमेंट कहते हैं उसमें जो भी महिलाएं रही एक्चुअल वो समृद्ध रही संभ्रांत परिवारों से रही मतलब अमीर लोग तो उन्होंने पुरुषों के समकक्ष अपने आप को रखने की कोशिश की जिसके कारण से गलत प्रतिस्पर्धा बढ़ गए और उसमें कमजोर महिलाओं के मुद्दे नहीं आ पाए आप बताइए कभी आए ये मुद्दे कभी आए आइए देखते हैं कौन सा ठीक है ना यानी पहला कि ज्यादा उम्र में विवाह और बच्चे के जन्म को प्रोत्साहन देना क्या करना इंसेंटिव प्रदान करना कैसे होगा यानी कि धन प्रदान करना जैसे अभी क्या होता है पहले बच्चे पर इतना पैसा मिलता है दूसरे में तीन साल के अंदर पर इतना पैसा मिलता मिलता है ना कई स्कीम चल रही वैसे ही अगर लोग अपनी शादी एक, एक एक्स उम्र के बाद करें, खासकर बीकर सेक्शन यानी जैसे लोग कहते हैं ना कि जो है अगर वो 22 वर्ष में करे तो सरकार इनकी इनके विवाह का पचास हजार खर्चा कर मतलब जो है उठाए कुछ ऐसी योजनाए तो पहला ये कहा गया ठीक है ना और अगर 25 साल में पहला बच्चा हो तो फिर जो है सरकार उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाए यह दो उपाय एकदम सॉलिड है मेरी तरफ से ऐसा किया जा सकता अगला मेक इजी वुमेन महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक आसान बनाए महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक आसान बनाए तो भैया अब इसके लिए करप्शन जिम्मेवार है इसके लिए कौन जिम्मेदार है भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की एक मैं सर्विस का नाम लूंगा उसका नाम है स्वास्थ्य सेवा अधिकारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर ये डब्ल्यू एच ओ की योजना ये डब्ल्यू एच ओ ने उत्तर प्रदेश मतलब उसका सारा पैसा डब्ल्यू एच ओ से मिलता है अगर आप लोगों ने उस एग्जाम के बारे में सुना हो उनका काम ही है ये सारी चीजें लोगों तक वितरित करना पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं बट क्या होता है बीच में ही सारा सेटिंग होकर के करप्शन के द्वारा सारी स्थितियां कमजोर हो जाती हैं तो अब आप विचार करें और अगर मैं गलत हूं तो आखिर उसका प्र... रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है आप विचार करिए तो जो इंडिया में करप्शन वो बहुत बड़ा तो मेक कॉन्ट्रासेप्शन इजी यानी कि महिलाओं के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव उपलब्ध कराए अब ये कैसे मिलेगा देखिए इसमें दो चिंताएं अरे मतलब कैसे मिलेगा तो मेरी तरफ से जो सुझाव है क्योंकि बगैर सुझाव के आंसर नहीं मिलेगा एडिटोरियल राइटर भी चिपका मारते हैं कब। अरे भैया कैसे रास्ता तो आप बताते नहीं यही एडिटोरियल्स की भी सबसे बड़ी कमी आपको रास्ता बताना पड़ेगा आप आई की तैयारी कर रहे पीडीएस होता है पब्लिक सिस्टम और उचित मूल्य की दुकानें है Shop, FPS, दुकाने किराना की तो वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव भी सरकार जो है भारी सब्सिडी के साथ इनफैक्ट मुफ्त में उपलब्ध कराए जो भी कार्ड होल्डर्स हैं उन सबको जो है वह कॉन्ट्रासेप्टिव भी मिले बट उसके लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी यानी कि एक एक रिकॉर्ड ऑनलाइन और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के साथ मिले और यहां पर अब एक समस्या आएगी अगर ऐसा भाई महिलाएं स्वाभाविक है जब शहरी क्षेत्र में गांव में अभी हम लोग कभी जाएं अगर मेडिकल स्टोर पे और कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह यानी जो शादी शुदा लोग हैं अगर आप आजमाइए कभी कॉन्ट्रासेप्टिव अगर मेडिकल स्टोर की दुकान पर आप गए और आपने मांग लिया कि भैया हमको ये वाला ब्रांड चाहिए अब जैसे आपने बोला तब तक पांच लोग मतलब चाहे उन्होंने भी खरीदा हो लेकिन तुरंत उठाए करके मुंह समझ रहे हैं तो इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है इसका मतलब क्या है अब कोई महिला जब शहर में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने और ये सारी चीजें करने नहीं जा सकती है तो आप लोग विचार करिए कि वह गांव में कैसे जाएगी तो इसका मतलब यहां पर मैंडेटरी प्रारंभ में मैंडेटरी किया जाए नहीं कि नारी सशक्तिकरण धीरे धीरे कोई रिफॉर्म होता है तो यहां पर मैंडेटरी किया जाए कि उनके जो हस्बैंड्स होते हैं उनको यह चीजें दी जाए यानी कि महिलाएं अगर नहीं भी जा रही तो उनके हस्बैंड को दिया जाए जिससे कि तो इस प्रकार से फिर आते आते हम चीजों को आगे बढ़ाएं तो यह अगर हम कर पाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बेहतर रिफॉर्म आप कर पाएंगे मेक कॉन्ट्रासेप्शन इजी फॉर वुमेन ये सबसे इंपॉर्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और एक प्रश्न भी आया है प्लीज एक बार आप देखिएगा सोसाइटी में आया है मुझे याद नहीं आ रहा है 2014 या 15 में याद रखिएगा दो हजार चौदह या 15 में कि वे कौन कौन से सांस्कृतिक पहलू हैं कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जिसके कारण से परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है सफल नहीं हुए हैं आप एक बार चेक करिएगा सोशियोलॉजी ऑप्शनल और जीएस uh, सोसाइटी दोनों के लिए प्रश्न है कि वे कौन कौन से कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जिनके कारण से परिवार नियोजन कार्यक्रम असफल रहे ऑबियस सांस्कृतिक कारण यानी पेट्रियोर भी है समाज का खुलापन ना होना भी है तो जब एक मेट्रोज में इस प्रकार से आंखें उठ जाएं तो आप छोटे शहरों में गांव में कस्बों में इसके बहुत से मायने निकाले जा सकते हैं यह चीज आपको ध्यान में रखना तो यह हो गया अगला आता है महिलाओं के श्रम बल की भागीदारी को बढ़ावा देना प्रमोट वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या करना यह सबसे मस्त मुद्दा सबसे मस्त यानी कि महिलाओं को श्रम को बल में वर्कफोर्स में शामिल करिए इनको रोजगार में लेके आइए इसीलिए मैंने वो सोसाइटी का महिला वाला भी लगाया जबकि ये जनसंख्या का इश्यू था लेकिन मैंने महिला वाला लगाया कि जो निम्नतर महिलाएं हैं सामाजिक स्तर पर उनके मुद्दों को तो महिला आंदोलन संबोधित नहीं करता वो तो बस लगा रहता है कि हम भी पुरुषों के समान वो क्लब जाते हैं हम भी क्लब जाएंगे वो हम भी करेंगे समझ रहे हैं ना नारीवादी चिंतन एकदम से कभी कभी प्रतिरोधी हो जाता है और वहीं से वो नेगेटिव हो जाता है जब आप प्रतिरोधी हो जाते हैं जैसे अगर हिंदी साहित्य आप पढ़ते हो तो जो उसमें दलित साहित्य लेखन है और अगर आप तार्किक रूप से विचार करेंगे बाकी अगर मतलब आप भावनाओं के तहत आंसर करना है तब तो आप किसी को भी इस बात के लिए मुझे भी आप सुना सकते हैं तो जैसे दलित साहित्यकार ये मानते हैं कि जो यथार्थ है वो हमारा भोगा गया यानी कि जैसे नागार्जुन ने लिखा तो वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने श्रेष्ठ लिखा वो कहते हैं उनका जाना हुआ यथार्थ था। जनों के बारे में सबसे ज्यादा शायद अगर किसी ने प्रखर होकर के लिखा है उनकी चेतना के बारे में उनके गुणों के बारे में उनकी अच्छाइयों के बारे में उनकी ताकत के बारे में उनकी ऊर्जा के बारे में तो वो लिखा है नागार्जुन जी ने बट जो है दलित चिंतन क्या मानता है कि ये इनका जाना हुआ यथार्थ ये जानते थे इन्होंने अनुभव नहीं किया और इस आधार पर वो अपने आप को ही असली दलित साहित्यकार मानते हैं लेकिन अच्छी बात है भोगा हुआ यथार्थ जाने यथार्थ में अंतर है लेकिन जान करके भी आपकी संवेदना के बराबर ही लिखा जा सकता और नागार्जुन से बेहतर दलित चिंतक आपको पूरे विश्व साहित्य में कहीं नहीं मिल सकता आप उनकी कविताएं पढ़िए और किसी से आप कंपेयर करिए दस मतलब डिग्री वो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देंगे तो सेम वही पॉइंट में यहां पर कि महिला आंदोलन में भी यही कमियां यहां पर दिखाई पड़ती हैं अब इसके बाद एक पॉइंट यहां पर रखा गया है यह मेरी तरफ से यानी हिंदू उसमें नहीं था एडिटोरियल में अब देखिए सरकार ने जो बजट में कहा था कि महिलाओं के विवाह की उम्र को आगे बढ़ाने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा यानी उम्र की एक सीमा तय की जाएगी क्या वो सही है क्वेश्चन मार्क अब आप विचार करिए यह एडिटोरियल तो साफ कह रहे हैं कि हाँ भाई सही है इंक्रीज वोमेन्स मैरिज एज टू ट्वेंटी वन यानी इक्कीस वर्ष में महिलाओं की शादी हो किस लिए फॉर हेल्थ बेनिफिट उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए इसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी और उसने यह कहा है कि 21 वर्ष की उम्र में विवाह अब किया जाना चाहिए बजट में आप लोगों ने यह भाषण सुना होगा पैनल लेड बाय जया नीति याेटली पॉल तो जया जेटली ने और नीति आयोग के बीके पॉल साहब ने ये के लिए भी क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए की उम्र निर्धारित करने के लिए विवाह किनके नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन हुआ प्रीलिम्स का भी है तो आप देख सकते हैं इनके नेतृत्व हुआ था ठीक है ना और आप देख सकते हैं और बट उन्होंने कहा कि ठीक है कि जो इसके लिए राज्यों को सोचने विचारने का समय दिया जाना चाहिए तो यह आपके लिए एक विचार है देखिएगा इंटरव्यू का टाइम आ रहा है जिनका इंटरव्यू इसी हिसाब से चलेंगे इंडिया डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी अब एडिटोरियल राइटर यहां पर मतलब ये मैं अपनी तरफ से यहां पर लेके आ रहा हूं नहीं अगर हम महिलाओं की भागीदारी नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे देखिएगा क्यों क्योंकि महिलाओं की भागीदारी जब आप करते हैं तो वो अभी क्या किसी के ऊपर डिपेंडेंट अपनी फैमिली पर किसी पर जब इनडिपेंडेंट हो जाएंगी तो इकोनॉमी में श्रम बल जो है वो जीडीपी पर बोझ नहीं होगा वो जीडीपी के लिए लाभकारी होगा उसको प्रॉफिट देगा क्योंकि वो काम करेगा इंडियाज डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी आपके सामने अब आप यहां से देख सकते हैं यहां कहा गया कि जैसे जैसे भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी जो काम करेगी बढ़ेगी ठीक है ना तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत कम लोग इंडिपेंडेंट मतलब जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह जाएंगे और वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा ये आंकड़ा दिया गया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने कहा है कि 2011 में डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितने थे 39 और वर्किंग एज पॉपुलेशन थी 61 वन परसेंट में पैंतीस हो जाएंगे देख रहे हैं डिपेंडेंट कम होंगे वर्किंग ज्यादा होंगे और थर्टी दो हजार इक्यावन में अब आप देख सकते हैं डिपेंडेंट बढ़ेंगे और वर्किंग में फिर देखिए कम हो जाएंगे तो इसका मतलब आप इस टाइम पर इस यहां पर खड़े हुए हैं पॉपुलेशन डेबिडेंट की स्थिति में है और दो हजार इक्यावन में आप कमजोर हो जाएंगे यहां पर कमजोर होने से पहले आप महिलाओं का जो वर्क लेबर पार्टिसिपेशन है श्रम बल भागीदारी है उसको आप बढ़ा दीजिए तो आपका ये जो बट रहा है ये बहुत बहुत कम हो जाएगा प्लीज ये डाटा याद कर लीजिएगा सिंपल है समझाया गया कोई कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए अब देखिएगा जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं यानी निर्धनता आती है क्या आती पूरा है पूरा पॉइंट है द डेमोग्राफिक डिस्ट्रेस एंड चैलेंजेस ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन जनसंख्या में वृद्धि के कारण जनसंख्य संकट और चुनौतियां क्या क्या भूख पॉवर्टी दरिद्रता वाटर स्क्वारसिटी यानी पानी की कमी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पर्यावरणीय जो नुकसान होते हैं फिर इसके बाद क्या है यानी कि जो इनएबिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता जो भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन तो आप देख सकते हैं जनसंख्या पर क्वेश्चन कोई आएगा तो ये सारे पॉइंट आप लगा सकते हैं बताइए कैसे एक्सप्लेन वाई आर कंट्रीज हाल्टिंग द आस्ट्रा वैक्सीन फॉर कोविड नाइन्टीन ये केवल जानने के लिए है कि आस्ट्रा जो वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड ने और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने बनाया था उसको पूरे यूरोप में वापस किया जा रहा है बड़ा यार इसको लगाने से ब्लड में क्लॉटिंग हो जा रही है यूरोप में ठीक है तो ये यहां पर मुद्दा है अब आप देख सकते हैं इसको हमें क्यों पढ़ना मैंने क्यों इसको रखा है तो एक तो स्वास्थ्य मतलब मान लीजिए चलिए ठीक है लेकिन इस स्वास्थ्य में इसको मत रखिए अब ये लगा दिया गया है इसको हमें जो डायरेक्ट यूज करना है वो ये करना है जैसे हम लोग स्टार्टिंग पढ़े थे ना वैक्सीन के फेजेस होते हैं फेज वन फेज टू फेज थ्री एंड सो वन तो अगर हम सारे फेज पूरे नहीं करते हैं तो क्या उसका रिजल्टेंट एक्स्ट्राजन का होता है ये दिमाग में रखिएगा तो जब भी हालांकि देशकाल परिस्थिति में यह बेहतर था चूंकि हम यह इतनी संक्रामक बीमारी है तो इसमें बहुत ज्यादा समय लिया नहीं जा सकता था लेकिन लेकिन जल्दी समय लेकर के क्या यानी कि चरणों का अनुपालन ना करके क्या दीर्घकालिक रूप से नुकसान किया गया है इस पर आप लोग विचार करते रहिएगा तो बस इसीलिए मैंने रखा है इसको इथिक्स में कहीं यूज करेंगे ऑक्सफोर्ड एस्ट्रा का ये जो वैक्सीन है डेनमार्क पहला देश था प्रेलिम्स का क्वेश्चन डेनमार्क पहला देश था जिसने इसके उपयोग को रोक दिया अन्य देश जो रोक रहे हैं नॉर्वे डेनमार्क आइसलैंड आयरलैंड बुल्गारिया नीदरलैंड असल में देखो अपने यहां कोई दिक्कत नहीं है इससे असल में ये लोग भैया एस डी आई बेलू वाले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्वच्छ बायो स्वच्छ सब कुछ स्वच्छ सब कुछ स्वच्छ थोड़ा सा भी इधर उधर का इंजेक्शन इनको तकलीफ तो करेगा ही करेगा समझ रहे ना यहाँ इंडिया हम सब लगवाए घूम रहे हैं अभी आंकड़ा बता रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा ठीक है नॉर्वे डेनमार्क आयरलैंड ये सब वही वाले हैं भैया वाई बैनिंग एस्ट्रोजन का क्यों यहां पर ब्लड में क्लॉटिंग हो जा रही है बहुत से केस ऐसे हैं ऐसा नहीं पूरे यूरोप में ब्लड क्लॉट हो जा रहा है डेथ हो जा रही है ठीक है ना तो इसीलिए 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 जनता का विश्वास कम हो जा रहा है तो ऐसा किया गया है सिचुएशन इन इंडिया भारत में केवल 0.002 परसेंट के कुछ अस्पताल में भर्ती होने की रिपोर्ट है यानी भारत में कुछ नहीं हो रहा है ये सारी बातें हैं मतलब अब इसको आप ध्यान रखिएगा फिर एक अगला प्रीलिम्स का क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने बुरका पर बैन लगा दिया है ठीक है ना तो श्रीलंका ने जो तमिल मुस्लिम है उनके बुरका पहनने पर रोक लगा दिया इसी एडिटोरियल में क्या कहा जा रहा है यानी कि अच्छा कानून नहीं कहा जा रहा बुरके पर बहन अब यही पर यहीं पर फिर वही प्रश्न आएगा सेक्युलरिज्म वाला कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता से प्रश्न आया था ना फ्रांस क्या सीख सकता 2019 में इंडियन सेक्युलरिज्म से फ्रांस क्या सीख सकता अब वही प्रश्न इंडियन सेक्युलरिज्म से श्रीलंका क्या सीख सकता आप विचार करिए क्लियर है तो ये आपका यहां पर पॉइंट देख सकते हैं श्रीलंका वार ऑन टेरर यानी टेरर के लिए वार करना एक अच्छा बहुत बढ़िया है लेकिन जो प्रतीक है उन प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ करना क्या उपयुक्त है इस पर आप लोग विचार करिएगा मेरे अनुसार उपयुक्त नहीं सिक्योरिटी के लिए हम और व्यवस्था कर सकते ठीक है ना तो ये आप याद रखिए क्योंकि आप देख सकते हैं इंडिया में भी या पूरे विश्व में जब भी क्राइम होता है तो उस क्राइम में जो मेल होते हैं वो फीमेल बन जाते हैं फीमेल होते हैं मेल का रूप पकड़ लेते हैं आप टैक्सी मतलब जब आप अपनी गाड़ी लेके जाए कितने लोग मांगने वाले होते हैं उसमें बहुत से ट्रांसजेंडर होते हैं लेकिन बहुत से नहीं भी होते हैं देख के ही लग जाता है लेकिन आदमी समझ रहे ना तो ये सारी चीजें होती हैं सोसाइटी में आपको अपनी सिक्योरिटी मजबूत करनी चाहिए किसी के विश्वास को इस प्रकार से कंट्रोल नहीं करना चाहिए तो ये बिल्कुल नहीं है और भारतीय धर्म निरपेक्षता से पूरे विश्व को सीखना चाहिए भारत में कितने लोग बुरका पहनते लेकिन उससे क्या घटना हो रही भाई <laughs> तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा प्रिलिम्स के लिए तो क्यों क्योंकि ईस्टर बम विस्फोटों की दूसरी वर्षगांठ है और उसी पर यह निर्णय लिया गया ये जो बम विस्फोट हुआ था ईस्टर ठीक है ये यहां पे आप देख सकते अब आते हैं अरुणोदई ठीक है ना यह एक स्कीम है प्रीलिम्स के लिए अरुणोई तो यह एक महिला केंद्रित योजना है आसाम में है बस प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा अरुणोदयी बीस इक्कीस के बजट में भी अनाउंस किया गया था यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है और इसके अंतर्गत एट थ्री जीरो रुपया क्या किया जाएगा जो भी मार्जिनलाइज फैमिलीज हैं असम की उनकी महिलाओं को जो है सहायता के रूप में दिया जाएगा आप देख सकते हैं तो अरुणोदय इंपॉर्टेंट है इसके एलिजिबल कौन कौन है असम का स्थायी निवासी जिसकी घरेलू आय प्रतिवर्ष वर्ष दो लाख रुपए से कम हो विकलांग सदस्य तलाकशुदा विधवा पृथक अविवाहित महिला इन सब को प्राथमिकता है इसके अलावा वे गरीब जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करते हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे तो प्रीलिम्स के लिए अरुणोदय याद रखिएगा ग्लोबल लीडर इन द पोस्ट कोविड ठीक है ना तो ये आ गया है भारत के बारे में है छोटा सा आज तो हिंदू ने एकदम रुलाई दिया है हिंदू में केवल दो एडिटोरियल बाकी तो अभी आप देखिएगा तो ये ठीक था थोड़ा बहुत तो भारत को यहां कहा गया कि ग्लोबल लीडर के रूप में कोविड के टाइम पर वो कहीं कहीं आगे बढ़ रहा है ये मिस्टर पोखरियाल निशंक जी का एडिटोरियल है एजुकेशन रिफॉर्म अब सरकार की प्रशंसा उन्होंने कहा नई शिक्षा नीति भारत में रिसर्च एंड इनोवेशन के परिदृश्य में सुधार करती है उसके लैंडस्केप को चेंज करती है इसके अलावा विश्व की फार्मेसी हिंदुस्तान बन रहा बन रहा है कैसे भारत ने ना केवल घरेलू मांग को कंप्लीट किया अपितु सेवेंटी से अधिक देशों को वैक्सीन की आपूर्ति भी की है ये आप देख सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत गोल्डन इंडिया बनाएगा ऐसा इनका विश्वास है तो ये दो पॉइंट ग्लोबल लीडर पर जब भी प्रश्न आएगा तो ये दो पॉइंट तो अवश्य आप लिख सकते हैं ये ये सब तो आप लिख सकते हैं आपको लिखना चाहिए ठीक है तो ये हो गया आपका अब भैया ये देखिए अब ये पूरा केरल बीजेपी आई पूरा पॉलिटिक्स ठीक है ना फिर इसके बाद अब देखिए लुकिंग लेफ्ट तो ये भी पूरी लेफ्ट की कोई मतलब नहीं है मतलब पूरा राजनीति पे बातचीत हो रही केरला में फिर से ट्राइंगल बना रहे हैं तीनों पोलिटिकल थे अपने लिए मैटर इसमें नहीं था तो सुबह बजे क्लास चालू हो चुकी है आज से कल फिर लगातार चलेंगी ये केवल प्रिलिंस फंडा नहीं है इसमें अभी लाइनर भी न्यूज है काफी इसमें जनवरी यानी एक तो प्रस फंडा होता है बाकी जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आंसर है जिसका सोर्स है मेरा ददा हिंदू पीआईबी जिसका सोर्स है बिजन तो आप इसको फटाफट कर सकते हैं सुबह लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा हिस्ट्री ऑप्शनल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आप देख सकते हैं यह भी बायिंग बैच चल रहा है अभी मैं अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा रहा हूं अमेरिकी क्रांति आप आकर के जुड़ सकते हैं मेरे साथ टॉप फिफ्टी रिविजन कार्निवल ये भी चल रहा है प्रिलिम्स आप आकर के जुड़ सकते हैं आइए देखते हैं हिंदू के बारे में और क्या क्या है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि आईआईटी और आईआईएम में जो कोटा होता है एस जो है मतलब ठीक है ना एससी और एसटी और ओ का तो जो आईआईएम की एक लॉबी होती है दबाव समूह हमेशा से कहता रहा कि यहां पर कोटा नहीं होना चाहिए ठीक है ना तो यहां पर जो फैकल्टीज होते हैं उनकी जो पोस्ट होती है चालीस परसेंट खाली है जो एससी और एसटी के लिए है आप देख सकते हैं ठीक है ना यानी 50 परसेंट से ज्यादा जो फैकल्टी यानी जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनकी खाली रह जाती है और इनकी है। अब आप इसमें यह मत मानिएगा कि खाली इसलिए रह जाती है कि लोग भर्ती नहीं कर रहे खाली इसलिए रह जाती है कि जो उस पद की नीड है वहां उतने लोग पहुंच नहीं पा रहे तो आईएम वगैरह कहते हैं भैया ऐसा है कि ये यार ये कोटा ख़त्म कर दो जिससे हम अन्य लोगों को वहां भर्ती कर सकें तो ये एक मुद्दा है इस पर फिर अब एडिटोरियल आना तय है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा तो ये हो गया आपका अब आगे आते हैं बिल ये तो हो ही गया बताने की आवश्यकता नहीं इस पर हम लोगों ने करी लिया अब अगला आते हैं ये बहुत अच्छा मुद्दा है एटीट्यूड फिर जीएस फोर इथिक्स के लिए लिख लीजिएगा मैं ऐसे बोलता हूं टाइम लग क्या जीएस फोर इथिक्स के लिए और अभी तुरंत आ रहा हूं किसके लिए तो तुरंत आ रहा हूं डे थर्टी फाइव के लिए तुरंत ठीक है तो जीएस फोर में यानी ये न्यूज क्या है कि लगभग 48 परसेंट महिलाएं राजस्थान की ऐसी हैं जिन्हें स्वास्थ्य सुविधा यानी उनको कोई न कोई स्वास्थ्य समस्या है ठीक है ना लेकिन इन्होंने क्या किया है कि उन्हें स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत है लेकिन ये कोविड 19 के संक्रमण के दर से अस्पताल नहीं गई तो ये घटना आप पढ़ लीजिएगा अब आप देखिए तो ये इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप एटीट्यूड पर लिखें, अभिवृत्ति पर तो अभिवृत्ति को परिवर्तित करने वाले कारक कौन से होते हैं यानी कोई घटना भी हो सकती यानी कोई भी विचार वस्तु या घटना को देखने का आपका नजरिया तो ये क्या है यानी यह घटना है कोविड और उसके कारण इंपैक्ट यह उदाहरण आप जरूर डालिएगा किस प्रकार से अभिवृत्ति को महिलाओं की बदला मैंने इसलिए रखा है बाकी अब यह प्रीलिम्स के लिए यह प्रीलिम्स के लिए तो आप देख सकते हैं बी फेंसेस ऑफ एलिफेंट अटैक तो यह देखिएगा एक इनिशिएटिव लिया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के की तरफ से यानी खादी ग्रामोद्योग कमीशन की तरफ से एक पहल की गई है और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इसका नाम है आर एच ए बी है इसका मतलब है आर फॉर रिड्यूसिंग ई फॉर एलिफेंट एच फॉर ह्यूमन ए फॉर अटैक और बी फॉर बी यानी रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बी यानी की अब आप देख सकते हैं यानी कि मानव और हाथी के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसका संरक्षण करने के लिए यानी उसके कारण नुकसान हो रहा है तो उन्होंने मधुमक्खियों का सहारा लिया है और इसको कहा गया है बी फेंस यानी मधुमक्खियों की बाढ़ क्या लगाई गई है बी बी फेंस ठीक है ना जिससे क्या होगा एलिफेंट अटैक नहीं होगा याद रखिएगा ठीक है ना कहां पर मानव आवासों पर और यह आपस का झगड़ा खत्म हो जाएगा तो अब यह कर्नाटक में स्टार्ट किया गया है यह चीज याद रखेगा पायलट प्रोजेक्ट तो यह याद रखे प्रोजेक्ट रिहैब क्या है बड़ा मजेदार है आपसे प्रेम पूछ सकता है बी फेंसेस ठीक है फिर इसके बाद क्या है और यह भी पूछ सकता है यह भी पूछ सकता है कि बी फेंसेस क्या है समथिंग समथिंग इस प्रकार की अब आते हैं पेज नंबर टेन सुप्रीम कोर्ट बैट्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है बैटिंग की है बैटिंग मतलब कि पक्ष रखा है ग्रेट इंडियन बस्टर यानी गोदावण का आप इसको हिंदी भाषा में कह सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर देख सकते हैं ये क्या है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ठीक है ना और इसके बारे में उन्होंने कहा कि भाई इनके नेचुरल हैबिटेट जो होते हैं गुजरात और राजस्थान में उनमें क्या हो रहा है कि यानी बिजली की तारों से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो कहां पाए जाते हैं गुजरात एंड राजस्थान ये याद रखिएगा ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि उस समस्या का समाधान किया जाए तो ये चर्चा में थे इनको भी पढ़ लीजिएगा इसके अलावा देखिए अब मेक इन इंडिया पर अगर आप लिख रहे हैं या आत्मनिर्भर भारत पर लिख रहे हैं तो प्री के लिए तो नहीं आत्मनिर्भर भारत और प्री के लिए भी है मेक इन इंडिया के लिए है तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट आ रहा है कि जो आर्म्स इंपोर्ट होता है उसमें 2011 से 15 और 2016 से 20 ठीक है ना अभी भी भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है सबसे अधिक आर्म कौन इंपोर्ट करता सऊदी अरबिया लेकिन अब लगभग 33% परसेंट की कमी आई है इसका मतलब एक भारत अब खुद बना रहा है यह रिपोर्ट रिपोर्ट निकाली सीप्री स्टाक होम बेस्ड इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना रशिया जो है वह विश्व का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है 11 से 15 और 16 से 20 बोथ में यूएस सेकंड नंबर पे है अब आप यहां से याद रखिए ठीक है तो ये आप यहां पर प्लीज इसको याद करिएगा सिप्री के बारे में भी क्वेश्चन आपसे बनेगा याद रखिएगा विदेन एशिया में अपने अलाइस मजबूत करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये तो एक दूसरा हो गया लेकिन उन्होंने चाइना के साथ भी यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ठीक है ना और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन दोनों ने अपने चाइनीज समकक्षों से मुलाकात की है और इसके माध्यम से यूएस ये कहता है कि हम एशिया में अपने संबंध सबसे अच्छा रखना चाहते हैं लेकिन जो विडेन किससे मिलते हैं इनसे मिलते हैं और चाइना में ये मुलाकात होती इसका मतलब कि यह दिखाता है कि यूएस की विदेश नीति में इंडिया ज्यादा मैटर कर रहा है बिजनेस पेज पे ये सब प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेंगे WPI क्या समथिंग समथिंग तो होल सेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन यह देख सकते हैं सत्ताईस महीने में सबसे ज्यादा ऊपर पहुंच गया फोर पॉइंट वन सेवन परसेंट क्यों क्योंकि फूड फ्यूल और पावर के मूल्यों में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है डब्ल्यू पी आई पढ़ लीजिएगा और ये आपका हो गया क्या हो गया आपके सामने ये सारी चीजें तैयार पी आई बी का भी ठीक है ना मधुमक्खियों का उपयोग हाथियों और मनुष्यों के बीच के टकराव करने के लिए रिहेप परियोजना ये आएगा पी आई बी में भी कुब रहता पढ़ते रहिएगा ठीक है तो मिलते हैं बच्चों छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत आते हैं और सबसे पहले डे थर्टी फाइव करते हैं और इसके बाद फिर अपनी कहानी और प्लस वाले बच्चे क्या पढ़ते हैं विश्व इतिहास अमेरिकी संविधान मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल सुबह नौ बजे प्रिलिम फंडा में कहाँ पर अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लास में थैंक यू जय हिंद लेट्स क्रैक इट